ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान नीट बैच में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत 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 सारे सवाल जब इससे बनते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टॉपिक से सवाल आ रहा है। बहुत सारे टॉपिक है, फॉर्मुलेशन वाला पार्ट अलग है, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस वाला पार्ट अलग है, किरचॉफ्स लॉ अलग है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस अलग है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी अलग है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अलग है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी अलग है, सर्किट एनालिसिस अलग है, फिर पावर, फिर बल्ब, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिर मिक्स रोपिंग ऑफ सेल, देन इंस्ट्रूमेंट। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है जल्दी बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है? क्योंकि इसमें सवाल तो बहुत सारे पूछे जाते हैं लेकिन टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, टॉपिक भी बहुत ज्यादा होते हैं, टॉपिक कम नहीं है, टॉपिक इसमें फैला हुआ है, टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, थोड़ा बहुत सर्किट एनालिसिस में, पावर के क्वेश्चंस करने में, सीरीज पैरेलल को समझने में, इन सब चीज में आती है, आज के बाद नहीं आएगी। तो आज हम लोग कैसे पढ़ने वाले, सेम आपको जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंप्रेस के फॉर्म में वो आपको बताएंगे। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी पे क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी नए, ठीक है। एक तो बच्चा कह रहा था लेवल कम कर दो सर, इससे लेवल कम करके का निगेटिव में ले जाऊं, कोई भी ऐसा सवाल मैंने नहीं कराया है जिसको सॉल्व करने के लिए 5 से 6 लाइन आपको यूज करना पड़े, लेंथी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज्योमेट्री यूज करना पड़े। पेपर पता है नीट में लेवल टफ कैसे हो जाता है? पेपर होता तो आसान ही है, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, टफ क्यों हो जाता है? नए लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, पहली बार लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे अजीब सा क्या लिखा हुआ है। तो बेटा वैसी अजीब सी चीज को ना हमें समझना पड़ेगा, उसी अजीब सी चीज को हमें टैकल करना पड़ेगा। लेवल मुश्किल नहीं है, लेवल आसान है, लेवल बहुत 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 ज्यादा इजी है। और मैंने बोला था कि बच्चे इस लेक्चर को ना देखे, वैसे भी इसमें सिर्फ वही देखे जो थोड़ा पढ़ चुके हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, टाइम पास करने वाले ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी ये देखो नाली कंसेप्ट हर जगह लगता है, थोड़ा सा विजुलाइज करना इसको कि चार्ज को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा करंट। कैसे? dQ/dt करंट होता है, कौन सा? इंस्टेंटेनियस करंट। सर हाँ करंट मिल गया, इसका मतलब स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ करंट हो गया। स्लोप ऑफ चार्ज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज करंट, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज करंट। करंट का कहीं ग्राफ बना हुआ है, उसका अगर आप स्लोप देखोगे तो नाली मिलेगा, क्योंकि ज्यादा आगे नहीं जाना है। करंट का डिफरेंशिएशन किसी चीज को नहीं बताता, इसलिए करंट का स्लोप नाली मिलेगा। करंट का इंटीग्रेशन कर दोगे बेटा I/dt, तो ये टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा इस टाइम इंटरवल में। एरिया का इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया ऑफ IT ग्राफ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, IT ग्राफ, एरिया ऑफ IT ग्राफ इज टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, और एरिया ऑफ QT ग्राफ इज नाली। लो भैया खत्म हो गया। अब ये ट्रेडिशनल मेथड किताबों में कुछ ऐसे पढ़ते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर एवरेज करंट होता है Q/T, इंस्टेंटेनियस करंट होता है dQ/dt, इसका स्लोप ये बताता है, एरिया ये बताता है, ये सब छोड़ो, सिर्फ यहां समझो और कमेंट करके बताओ ये विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ। चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा, चार्ज का चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट होगा। करंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए नाली हो गया। तो हमें क्या फॉर्मूले के साथ साथ हमें यह भी विजुलाइज हो गया कि क्या बताएगा और क्या नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो बताओ करंट टाइम ग्राफ का स्लोप नाली, कुछ नहीं होता। करंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज टाइम ग्राफ का एरिया नाली, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट,
ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बताओ नाली कंसेप्ट टोपी है कि नहीं, कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। क्या ये चीजें आपको विजुअलाइज हो गई? हाँ सर, ये बहुत तगड़ी चीज है, ये बहुत तगड़ी चीज है। यहां से हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब सवाल करते हैं, आप जानते हो करंट स्केलर है, करंट का यूनिट एम्पियर है, एसआई यूनिट एम्पियर है। अब सवाल करते हैं, सबसे पहला सवाल सर सन्डीजन आपके सामने, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, करंट वेक्टर नहीं होता है, करंट स्केलर होता है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर स्केलर ऑप्शन में ना हो, अगर स्केलर ऑप्शन में ना हो तो टेंशन आप लिख सकते हैं। करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो assertion is false but reason is true, बिल्कुल सही है। assertion गलत है but reason आपका सही है। समझ गए क्या? नेक्स्ट देखिए, अब एक बढ़िया सवाल नए लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सवाल को पूरा पढ़ो और खुद अटेम्प्ट करो। क्या सवाल? द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर वेरीजेस एज आई बराबर आई नॉट बीटा टी। करंट दिया हुआ है हमें आई नॉट प्लस बीटा टी, ठीक है साहब। आई नॉट की वैल्यू 20 एम्पियर एंड बीटा की वैल्यू 3 एम्पियर पर सेकेंड। An amount of electric charge crossed through a section of the wire in 20 second. 20 second में कितना चार्ज गया है? तो तुम्हें पता है Q और T, इसका differentiation ये बताएगा, इसका differentiation कुछ होता ही नहीं, इसका integration ये होगा, करंट है ये। तो यहाँ पे करंट है, तुम्हें इसका integration ही करना पड़ेगा। कैसे करोगे? I को लिखो dQ by dt, I को लिखो dQ by dt is equal to I not की value यहाँ दी हुई है 20, तो 20 रख दे। बीटा की वैल्यू दी है 3, तो 3t रख दे। dt को उठा के यहां रख, तो dq बराबर 20 dt प्लस 3t into dt। इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ, 20 सेकंड में बोला है तो 0 से 20 तक आपका टाइम इंटरवल हो गया। 20 बाहर dt का इंटीग्रेशन आएगा t, प्लस 3 बाहर t into dt का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखेंगे आप 0 से 20 तक, 0 से 20 तक। यहां पे 20 रखोगे तो 20 माइनस 0 20, 20 मल्टीप्लाई 20 400 प्लस 3 बाहर टी स्क्वायर बाई 2, 20 रख दो। तो 20 का होल स्क्वायर क्या आएगा सर? 400 बटा 2। तो 400 बटा 2 आपका हो जाएगा 200, 200 मल्टीप्लाई 3 600, 600 और 400 1000 कूलम पर से कूलम, 1000 कूलम। तो आपका सी आंसर आ रहा है, क्लियर। आधी जनता डी कहां से बता रहे हैं? तो कौन सा नशा करके बैठे हो? डी वाले कान पकड़ के दो बार उठक बैठक करेंगे, पहले तो डी वाले कान पकड़ के दो बार उठक बैठक करेंगे, दो बार अभी के अभी करेंगे, गधे कहेंगे। चलिए आगे देखिए, फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इन 8 सेकंड। देखो भाई, एवरेज करंट पूछा है, तो एवरेज करंट होता है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। हाँ सर, हम जानते हैं। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज को क्या लिख सकते हैं? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ आई इनटू डीटी भी तो हो सकता है। तो एवरेज करंट का एक फॉर्मूला ये भी बनेगा, ध्यान से दो मिनट पेशेंस से देख लो सर, सही है। और आईटी ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। हाँ सर, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ हमें 8 सेकंड तक एरिया ऑफ आईटी ग्राफ लेना है, जिससे हमें टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा। करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये टोटल फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। निकालते हैं एक बार, 10 है ये हाइट और 4 से 8 तक ये विड्थ है 4 का, तो 10 चौक 40, ये बनेगा बेटा 40 और ये बनेगा आपका, ये भी 4 10, ये बनेगा 20, 40 20 ये होगा 60, 60 बटा 8, सही को बोल रहा हूँ क्या? 60 बटा 8, तो ये आपका सी आंसर हो गया 7.5, 7 छः 42, 88 जो, हाँ 7.5 एम्पियर आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखो, करंट टाइम ग्राफ से एवरेज करंट पूछा है, ये इंस्टेंटेनियस करंट एक्सिस पे। एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। हमें क्या करना है? टोटल चार्ज निकालने के लिए करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लिया। क्लियर है क्या? अब लो भाई, ये जिस सवाल का तुमको था इंतजार, ये रहा वो एमआर स्टार सवाल। जिस सवाल का तुमको था इंतजार, वो ये रहा एमआर स्टार सवाल। आइए, जिस सवाल का तुमको था इंतजार, वो ये रहा एमआर स्टार सवाल। स्क्रीन पॉज करो, शिद्दत से और प्यार से पढ़ो और सॉल्व करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। स्क्रीन से मैं हट जाता हूँ। कुमार यादव, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, गोली खा के सो जाओ, गोली खा के सो जाओ बेटा, गोली तुमने नहीं खाया था इसलिए समझ नहीं आ रहा है। बेटा, सब्जी में नमक औकात अनुसार
और एमआर से पढ़ने आए हो औकात अनुसार, है ना। सब्जी में नमक औकात अनुसार और एमआर की क्लास, सॉरी सब्जी में नमक स्वाद अनुसार, एमआर की क्लास थोड़ा औकात अनुसार, ऐसे नहीं होती। करो, क्लास शुरू हुआ नहीं कि स्पैमिंग करने आ जाते हैं। चलिए चलिए बताइए क्या लग रहा है। टुक्का मत लगाना, इतनी जल्दी तो तुम नहीं कर पाओगे यार। नीट में सिलेक्शन आधे लोगों का इसी वजह से नहीं आता है, तुरंत सेंसर कर दिया। करना बैठ के, सब्जी में नमक औकात अनुसार और एमआर की क्लास, सॉरी सब्जी में नमक, सुन ध्यान से कह रहा हूं, सब्जी में नमक स्वाद अनुसार और एमआर की क्लास औकात अनुसार, ठीक है। करा, सबसे पहली बात ये चार्ज दिया हुआ है क्यू बराबर टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस फोर देन करंट इन टू सेकेंड, क्यू बराबर इतना एट टू सेकेंड। तो सबसे आसान तो मुझे ये लग रहा है कि करंट दिया हुआ है, सॉरी चार्ज दिया हुआ है और करंट पूछा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, सर इसमें भी चार्ज देके करंट पूछा है, लेकिन ये दो सेकेंड का करंट पूछा है, ये एट दो सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस करंट है। तो क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू टी प्लस टू, और ये कब निकालना है, दो सेकेंड पर, तो टाइम को दो रख दो। तो दो दूनी चार प्लस दो, चार प्लस दो बराबर छह एम्पियर। तो मेरे हिसाब से दूसरे का तो तुम्हारा आ जाएगा छह एम्पियर, छह एम्पियर नहीं है कहीं, ए सेकेंड का ए आ रहा है, सेकेंड का ए, तो सी तो है ही नहीं, सेकेंड का बी तो नहीं होगा, सेकेंड का ए, या तो ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा। फिर चार्ज दिया है और करंट इन टू सेकेंड पूछा है, इन मतलब इंटरवल, तो यहां से जब निकालोगे तो एवरेज करंट ये पूछा है, एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टाइम तो तुम्हें दिया है दो सेकेंड, टाइम तो डेल्टा टी दो ही सेकेंड का है। अब चार्ज को दो सेकेंड पर देखो, क्या रखो, दो कॉल स्क्वायर चार और दो दूनी चार, तो चार चार आठ में से चार जाएगा तो चार बचेगा, ठीक है। और जीरो रखोगे तो जीरो जीरो माइनस ऑफ माइनस चार, तो ये हो गया आठ बटा दो चार एम्पियर। तो पहले का तुम्हारा थर्ड आ रहा है, तो पहले का थर्ड आ रहा है, मतलब बी आंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। करंट है ये इतना, तो एवरेज करंट इन टू सेकेंड, तो करंट देख के अगर एवरेज करंट पूछ रहा है तो ये सॉल्व होगा आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई इन टू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई की वैल्यू थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर, तो थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर का इंटीग्रेशन कर देंगे डी टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टोटल टाइम इंटरवल दो है तो डायरेक्टली दो लिख सकते हैं। तीन बाहर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यू बाई थ्री प्लस फोर टी डिवाइडेड बाई टू, थ्री से थ्री कट जाएगा, टाइम है जीरो से दो, लिमिट रखेंगे जीरो से दो, तो दो का क्यूब यहाँ पे आएगा आठ प्लस चार दूना आठ बटा दो, तो सोलह बटा दो मतलब एट एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, एट एम्पियर। तो तुम्हारा जो थर्ड है उसका डी आ रहा, थर्ड का डी आ रहा, थर्ड का डी आ रहा, बिल्कुल सही है। अब चौथे का एक बार चेक कर लो। अब दो मिनट रुक के सवाल के बारे में दो शब्द बताओ मुझे, क्या दो शब्द बता सकते हो, जितने तरह के वेरिएशन है सारे कवर हो गए कि नहीं, सब में मैंने करंट ही पूछा है, पूछा तो सर सब में करंट है लेकिन सबकी फंक्शन अलग दी, चार्ज देके इंस्टेंटेनियस करंट पूछा, चार्ज देके एवरेज करंट पूछा, करंट देके एवरेज करंट पूछा, चार्ज देके एवरेज करंट किसी इंटरवल में पूछा। अब इससे ज्यादा कहीं मुश्किल सवाल आ सकता है तो बताओ, बताओ इससे ज्यादा मुश्किल सवाल कहीं आ सकता है तो बताओ, तो मुश्किल सवाल तो बहुत हो सकते हैं। हाँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, एक एक लाइन का कैलकुलेशन है, एक एक लाइन का कैलकुलेशन है, एक एक लाइन का कैलकुलेशन, समझ गए। अब आइए हम एक सवाल वो करते हैं ना, जब चार्ज घूम रहा होता है, एक बढ़िया सवाल मैंने लिखा था, ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, पहले आराम से पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो। एक्स इज द करेंट इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, एक्स इज द करेंट इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ फ्रीक्वेंसी एफ, एंड वाई इज द करेंट इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड वी ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड एक्स बाई वाई। आराम से, आराम से सर, फोर्थ वन वो करना, खुद खुद नहीं करेगा कुछ, जब जब हंड पड़े हैं। एक्स इज द करेंट इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ फ्रीक्वेंसी एफ, तो एक्स करेंट है, करेंट होता है आई बाई टी, सॉरी करंट होता है क्यू बाई टी, तो क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ही, और वन अपॉन टी को हम कह सकते हैं, तो एक्स बराबर ई एफ आएगा सिंपल,
एंड वाई बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज हो गया ई और टाइम हो गया, अगर वी स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा सर्कुलर पाथ में घूमने में, तो टू पाई आर बाई वी, टू पाई आर बाई वी, ये हो गया। अब तुमसे एक्स बाई वाई पूछा, तो एक्स हो गया ई एफ और वाई हो गया ई भी, टू पाई आर ऊपर चला जाएगा, ई से ई कट गया, तो ये आ गया आपका टू पाई आर एफ बाई वी, टू पाई आर एफ बाई वी, टू पाई आर एफ बाई, टू पाई आर एफ बाई वी। देखो अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसका ए आंसर ही है ना, ए, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, क्या छोटा सा एमआर स्टार, दैट शुड बी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्यों डायमेंशनलेस, एक्स भी करंट है वाई भी करंट है तो इसका रेशियो डायमेंशनलेस आना चाहिए। अब मिला लो, देख लो यहां पर ध्यान से, जैसे बेटा ये है तुम्हारा आर, डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी होता है टी माइनस वन, तो डिस्टेंस हो गया एल, फ्रीक्वेंसी हो गया टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और वेलोसिटी भी एल टी माइनस वन, तो ये तो डायमेंशनलेस है। यहाँ पे ये हो गया एल और वेलोसिटी में भी एक एल आएगा तो एल टू बनेगा, जिसमें नीचे एल है नहीं तो ये डायमेंशनलेस नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे वेलोसिटी इंटू आर, एल एल मल्टीप्लाई होगा, डायमेंशनलेस नहीं है। यहाँ पे ऊपर चार्ज है, नीचे चार्ज को काटने के लिए दूसरा चार्ज का क्वांटिटी कूलम कोई ला ही नहीं रहा, ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, तो डायमेंशनलेस एक ही आया वो आंसर होगा। मतलब ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, आग लगा दो, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सिर्फ आग दिखना चाहिए, सिर्फ आग दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आया करंट का, सर्कुलर पाथ पे कैसे घूम रहा है ये समझ में नहीं आया, तो मैं तो देखूंगा ना कि करंट बाई करंट डायमेंशनलेस इसी में आ रहा है। ये सवाल इसीलिए लिखा गया है कि आपको कंसेप्ट के साथ साथ इस एमआर स्टार का फील भी दिला दे कि डायमेंशन दूसरे चैप्टर में कैसे यूज हो सकता है। बताओ डायमेंशन दूसरे चैप्टर में कैसे यूज हो सकता है, देखो ध्यान से, समझ में आया। अब देख ध्यान से, जब आप इस कंडक्टर को बिना बैटरी के ऑब्जॉर्ब करते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते हैं जिसकी स्पीड 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड से लेकर के 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड वेरी फास्ट स्पीड रहती है। बहुत तेज जिग जैग पाथ में ये इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। सर बात सही है, बात सही है, और इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड होती है वो इसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है या रूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल कह सकते हो। लेकिन जब इसमें आप बैटरी जोड़ते हो तो ये इसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है और इसमें जो करंट बहता है वो होता है एन ई ए वी डी, जहां पे वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर वी डी कितना होता है, इस पर जो फोर्स लगता है वो क्यू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो उस पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन हो जाता है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास, ये एक्सीलरेशन हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम और आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, देखो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये दोनों रिलेशन आपको समझ में आता है। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म बनते हैं, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोबिलिटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बहुत सारे बनते हैं, उसको देखिए। सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी बताता है कि किसी भी क्रिस्टल का करंट कंडक्ट करने की क्षमता क्या है, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। बेटा डायरेक्ट सवाल आ सकता है, मान ले कि क्वेश्चन एक आया जिसमें बोल दिया कि एन है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज चार्ज, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे सारा टर्म मैंने लिख दिया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आई करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, ये वी ईएमएफ ऑफ द बैटरी है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सारे टर्म मैंने यहां पे लिख दिया। अब सुनना, ये कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उस कंडक्टर की करंट फ्लो कराने की क्षमता कम होगी। मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो करंट फ्लो कराने की क्षमता बहुत ज्यादा है। समझ में आया? हाँ सर। तो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको रट लीजिए। कितने लोग इसको रट पाएंगे बोलो, एमआर रट्टा, मार रट्टा, एमआर रट्टा नहीं है, मार रट्टा, कितने लोग रट पाएंगे? सर रट लिया। अब सुनना, हम जानते हैं रेसिस्टिविटी वन अपॉन कंडक्टिविटी होता है, क्या याद है? हाँ। तो यहां से रो क्या हो जाएगा? रो सर इसका उल्टा हो जाएगा, तो एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। तो सर ये रो भी याद हो गया मुझे, और हम जानते हैं रेसिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है। हाँ होता है, तो इस रो को यहां पे रख दूंगा तो क्या मुझे रेसिस्टेंस ऑफ द वायर की एक्चुअल फॉर्मूला मिल जाएगा? हाँ, रो ये रहा, तो आर बराबर हो जाएगा एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए।
एन ई स्क्वायर टाउ है, कुछ नहीं किया, सिग्मा याद है तो यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ वी बराबर आई आर हम जानते हैं, हाँ वी बराबर आई आर जानते हैं, वी बराबर आर की वैल्यू ये रख दो, तो एम एल आई बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए, बेटा ये है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक ये किस चीज से मिलकर बना होता है, तो एक्चुअल में इसमें आई बराबर एन ई ए वी डी और वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, इसी दोनों फॉर्मूले में से मैं वी डी को इक्वेट करता हूं सॉल्व करके, ये फॉर्मूला एक्चुअल में निकल के आता है। उसके बाद हम जानते हैं जे बराबर सिग्मा ई, जहां पे जे है आपका करंट डेंसिटी, क्या है करंट डेंसिटी, अच्छा एक मोबिलिटी होता है जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे वीडी की वैल्यू आप ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो सर ई वीडी की वैल्यू रखेंगे उसमें ऊपर ई है और फॉर्मूले में पहले से नीचे ई था, तो स्मॉल ई टाउ बाय एम आपका मोबिलिटी आ जाता है, क्या आ जाता है मोबिलिटी आ जाता है, समझ गए क्या। तो ये सारे फॉर्मूले क्या आपको याद है, कितने लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे दिमाग में एक चीज अगर सेट हो जाए तो सारे फॉर्मूले आसान है, कैसे बता देता हूं, आंख बंद करके लिख सकता है, आंख बंद करके लिख सकता है, कैसे देख रहे हैं, सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम, रो बराबर होता है वन अपॉन सिग्मा, तो रो हो जाएगा एम बटा एन ए स्क्वायर टाउ, हम जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए होता है, तो यहां पे R बराबर होगा एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ ए, वी बराबर आई आर होता है तो वी बराबर आई और आर, तो एम एल आई बटा एन ई स्क्वायर टाउ ए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ गया, ये एक्चुअल में आई बराबर एन ई ए वी डी और वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम को वी डी इक्वेट कर देते दोनों फॉर्मूले से तब निकल के आता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लॉ। करंट डेंसिटी होता है आई बटा ए, यहाँ पे आई बराबर हम लिख सकते हैं जे डॉट ए, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जे बराबर होता है सिग्मा ई, v बराबर होता है आई आर, मोबिलिटी यहां से निकल के आ जाता है स्मॉल ई टाउ बाई एम, ये थोड़ा हिल गया तो फेयर फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है, फेयर चाहिए तुमको, फेयर फॉर्म चाहिए, ले फेयर फॉर्म ले, वही चीज है ये सारा, सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम, इसमें हम रो को वन अपन सिग्मा लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे तो रो आ जाएगा, रो में एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे आर आ जाएगा, आर में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओम्स लॉ आ जाएगा, वी बराबर आई आर आ जाएगा, मोबिलिटी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मोबिलिटी, ई टाउ बाई एम आ गया, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, प्रोटॉन का कम होता है, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का मोबिलिटी बराबर होता है, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का मोबिलिटी क्या होता है बराबर होता है, समझ में आएगा, समझ में आएगा, दिमाग में ये फॉर्मूला सेट रहेगा रहेगा। अब यहाँ पे सवाल करो, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 1 वोल्ट इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वी वोल्ट इज जीरो, सही तो है, ठीक क्या कह रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर कनेक्टेड बाई द बैटरी जीरो, तो जिस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, बाहर में तो जीरो ही आएगा, अच्छा बाहर में जीरो आएगा, कंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल एज नंबर ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकमिंग इलेक्ट्रॉन, अच्छा ओहो याद आया, मैंने तुम्हें यह बताया था एमईसी में जाके बताया था कि इस कंडक्टर को मान लो मैंने बैटरी से जोड़ा तो यहां पे करंट फ्लो करेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से घुसेंगे उतने यहां से निकल जाएंगे तो ये न्यूट्रल रहेगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी बनेगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या कहते हो, ना बी नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अंदर घुस रहे हैं उतने बाहर निकल जा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है तो न्यूट्रल रह गया इसीलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बी ले लो पुदीना हो गया डैश फटके चार हो गई। आइए In an isolated conductor, velocity of electron is zero. They are in at rest condition as no electric field is applied. अभी बताया। Isolated conductor में electron rest में नहीं होता है। Isolated conductor में electron बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा होता है। Drift velocity becomes double and hence due to this mobility of electron will gets doubled. Drift velocity becomes double and hence mobility of electrons will get double. नहीं मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है,
लेकिन तो मेरे हिसाब से बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स आएगा यहाँ पे। ले ले पूरी ना ले ले क्या है, ए है बिल्कुल, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है क्या। चलिए आइए, डेट लॉस इज डबल देन व्हाट अबाउट मोबिलिटी, रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। सर कैसे, मोबिलिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। सुन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम बटा ई, इसी तो कट गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, रिस्क ना लेना, सवाल पढ़ना, सॉल्व कर लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। ले ले पूरी ना, चल, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी, द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द अनदर कंडक्टर विद सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम मटेरियल सेम लेंथ बट डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया, द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स द सेम, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। बजाओ बजाओ सवाल को बजाओ, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, यहां पे बैटरी सेम रखी है तो दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, क्या चेंज हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया, बस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका टू है, यही बोला है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वीडी, द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द अनदर कंडक्टर विद सेम मटेरियल, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया, डबल कर दिया। देन द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स द सेम, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, आराम से क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग कर। आहा मुन्ना, ओ मुन्ना कमान कमान कमान। तो आपका सही जवाब है बी। आपका सही जवाब है बी, और 90% लोग, 90% लोग आंसर दे रहे हैं डी नहीं तो सी, डी नहीं तो सी। कोई है एक जिसको क्या लगा था, छोड़ो यार ना, पढ़ाई से मतलब रखते हैं, आओ ज्यादा बोलूंगा तुम्हें लगेगा कि बोलता है, आंसर है बी। अब किसकी बज गई ये बताओ, ईमानदारी से कमेंट करके बताना, ये तो हमारी बज गई, ईमानदारी से कमेंट करके बताना, गलत हुआ ना कोई बात नहीं, सिखा के भेजूंगा, सिखा के भेजूंगा। अब सुन ध्यान से कैसे, सर लग तो रहा था कि आई बराबर एन ई ए बी डी फॉर्मूला है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो ए नंबर है और ई चार्ज है, तो ये तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, अगर कंडक्टर सेम है तो, मटेरियल सेम है तो, ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है तब ना जब करंट को कॉन्स्टेंट मानोगे। यहाँ पे करंट सेम नहीं है, बैटरी जो लगाया है वो सेम है। मान लो इसकी रेसिस्टेंस बेटा आर है, ऑब्वियस सी बात है इसकी रेसिस्टेंस हो जाएगी आर बाई टू। सर कैसे, लेंथ सेम, मटेरियल सेम, एरिया डबल, तो रेसिस्टेंस आधा। अब मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, सेम बैटरी में रेसिस्टेंस आधा कर दिया तो करंट तो 2i फ्लो करेगा। i बराबर n e a v d, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा बेटा i बटा a के प्रोपोर्शनल। यहां पे करंट है तुम्हारा i, तो एरिया है a, यहां पे करंट है 2i। एक मिनट, गलत कर दिया क्या, रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, एरिया डबल तो रेसिस्टेंस आधा, ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको 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 रुको, आई बराबर होता है वी बाई आर, ठीक है आई बराबर एन ई ए बी डी, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस
बराबर ए इंटू वी डी, तो वी डी बराबर हो जाएगा, हाँ क्या मैं उल्टा कर रहा हूँ सॉरी, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, वो आ जाएगा देखो, आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। तो करंट को क्या लिख सकते हो, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब देखो मटेरियल सेम है, चार्ज सेम है, तो ये दोनों तो सेम रहेगा, हाँ सर सेम रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, ये वोल्टेज भी तुम्हारा सेम है हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो जाएगा वन अपॉन एरिया, और रेसिस्टेंस को रखोगे रो एल बाई ए, तो ए से ए कट गया वन अपॉन रो एल, तो ये भी तो कॉन्स्टेंट ही आ गया, तो वी डी डिपेंड नहीं करेगा, आंसर बी आ जाएगा, खत्म। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, तो यहां से भी आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल ईएमएफ बाई एल स्मॉल ई टाउ बाई एम, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि लेंथ तो सेम रखा है और ईएमएफ सेम रखा है। देखो इस फिजिकल क्वांट, इस फॉर्मूले में तुम्हारा ये ईएमएफ है और ये तुम्हारा लेंथ है, तो ईएमएफ और लेंथ सेम है हाँ, तो जो टर्म में वैल्यू आ रही, जो फॉर्मूले में फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो दोनों कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, और यहां से भी दिखा दिया मैंने, मतलब दोनों फॉर्मूले से कर दिए, चलो ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले से कर दिए, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेटा दोनों फॉर्मूले से कर दिए, कोई बात नहीं। अब ये सवाल करते हैं, इन द गिवन फिगर ये बैटरी है, बैटरी ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L एंड द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया हैविंग रेडियस R1 एंड R2, R1 ज्यादा है, देखो यहाँ पे R1 ज्यादा है, R2 कम है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव्स फ्रॉम P टू Q। तो अब अगर इसमें आप P से Q की तरफ जाते हैं, P से Q की तरफ जाते हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, P से Q में जाते तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखो जैसे इस क्रिस्टल कंडक्टर को आपने बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना वो हर जगह सेम करेगा, हाँ करंट सेम करेगा, तो आई बराबर आप एन ई ए वी डी यहां लगा सकते हैं, और आप बोल सकते हैं वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आगे जाने पे एरिया कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ये सही है, फिर यहां पे सही है, यहां पे ए आएगा, ऑल ऑफ दिस कैसे आएगा यार, इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस कहां, करंट कहां से डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कैसे करेगा, एक क्रिस्टल को तुमने बैटरी से जोड़ा है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आएगा, क्या चोमू हो गया यार, एकदम एकदम ही चोमू हो गया। चल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, आराम से सवाल को पढ़ के करो, आराम से सवाल को पढ़ के करो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी तो बढ़ता है, सही बात है, रेसिस्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। ओहो सवाल को आराम से करो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर, मतलब रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर का इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर बनाने पे हम जानते हैं कि रेंडमनेस बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, तो कोलिजन जल्दी जल्दी होता है हाँ, तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, सही है, और कोलिजन जल्दी जल्दी होगा रेंडमनेस बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है, सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज एंड डिक्रीजेस, तो सेमी कंडक्टर की अगर मैं बात करूंगा, सेमी कंडक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेचर घटाने पे उसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है, सही बात है, टेम्परेचर घटाने पे उसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है क्योंकि तो टेम्परेचर घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर कम हो जाएगा एंड कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगी, ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बी आना चाहिए, बी आना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बी सही है, क्या लग रहा है, डी कह रहे हैं भाई साहब, दोनों सही है तो डी कैसे आ गया, छोड़ दे घर बैठ जा, गधे घर बैठ, डैश नहीं होने वाला तुमसे कुछ, घर बैठ, मार्क्स जाना एग्जाम में, 2/6, 1/3 आता है करके आ जाना, डॉक्टर बनोगे,
एक सवाल ढंग से इनसे नहीं हो रहा, डॉक्टर बनेंगे। जितने लोगों का डी आया है ना, जितने लोगों का डी आया है, अभी के अभी कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करेगा तुरंत। अभी अभी कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करेगा, 10 बार कान पकड़ के उठक बैठक करेगा, नीट की कसम है तुम्हें। अभी अभी कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करेगा, खरा रॉन्ग डी होगा तो साला 20 बार करेगा। चल, और ये कोई एडवांस लेवल का तो सवाल नहीं है, आसान सवाल है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस किससे रिलेटेड है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। तो कंडक्टर की जब बात होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है, सही है ये, और रिलैक्सेशन टाइम घटती है क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ये सही है, ठीक है ना। तुम्हारा डी में भी स्टेटमेंट 1 ट्रू है, चलो ट्रू। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं सेमी कंडक्टर का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगी तो रेसिस्टिविटी अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। कंडक्ट सेमी कंडक्टर है ये। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करेंगे, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। तो रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा मेरा, क्या रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, बी आ रहा है आंसर, इसका डी आ रहा था। इसका डी आ रहा था, जल्दी बता, कान पकड़ के उठक पटक करो, छोटी छोटी सवाल गलत कर रहे हो। करंट डेंसिटी हम जानते हैं, जे बराबर होता है आई बटा ए कॉस थीटा, आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो करंट बराबर होता है करंट डेंसिटी इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अब याद रखिए करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी खुद क्या है, वेक्टर है। जे बराबर सिग्मा ई, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जहां पे करंट डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा कंडक्टिविटी है। जैसे एक सिंपल हम ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं इसको, तो यहां पे करंट हर जगह सेम ही फ्लो करता है, करंट हर जगह सेम फ्लो कर रहा है, करंट सेम है, करंट डेंसिटी जहां पे एरिया कम होता है वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां पे ज्यादा होता है। करंट डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, करंट डेंसिटी वहीं पे ज्यादा होता है जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होता है। अब देख, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, जे बराबर होता है बेटा, सॉरी आर बराबर होता है, आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है, आर बराबर रो एल बाई होता है। ध्यान से एक बार फोकस इसको सीख ले, पर क्या सीख ले, अगर मैं लेंथ को चेंज करूं, एरिया कांस्टेंट रखे, एरिया कांस्टेंट रख के अगर मैंने लेंथ को चेंज किया तो क्या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, हाँ सर, क्योंकि आपने रेसिस्टिविटी तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, ओके। तो यहां पे तुम्हारा आर टू में सामने आ जाएगा एल टू बटा, अगर नीचे आर वन लिखता हूं तो नीचे आ जाएगा एल वन, ये भी फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं, स्ट्रेच करता हूं या मेल्ट करके नया बनाता हूं तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होगा, हाँ सर। यहां पे R2 बटा R1 अगर मैं देखूं तो क्या L2 बटा L1 का होल स्क्वायर आएगा, हाँ सर। यहीं से अगर मैं परसेंटेज चेंज देखूं डेल्टा आर बाई आर तो क्या टू डेल्टा एल बाई एल होगा छोटे चेंजेस के लिए, हाँ, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, पावर बाहर आ जाएगा। यहां से मैं देखूं तो क्या डेल्टा आर बाई आर बराबर डेल्टा एल बाई एल होगा, तो क्या आपको कंफ्यूजन रहेगा कि डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल होगा या डेल्टा आर बाई आर टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल होगा, कंफ्यूजन रहेगा कि समझ गए, जल्दी बताओ, कंफ्यूजन रहेगा कि समझ गए, समझ गए, क्योंकि इस पे एन नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां पे अगर मैं एल को कांस्टेंट रख के एरिया चेंज करूं तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर। यहां पे जब आप R2 बटा R1 लिखेंगे, देखो R2 लिख रहे हो, हां सर R2 लिख रहे हैं, तो नीचे A2 आएगा ऊपर A1 आएगा, नीचे R2 आएगा ऊपर R1 का होल स्क्वायर, क्लियर है क्या? लेकिन सर अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रख के एरिया चेंज करूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के एरिया चेंज करूं तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस का पावर 4 हो जाएगा। यहां पे डेल्टा आर बाई आर अगर लिखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए एंड 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर होगा, बोलो हाँ कि ना,
क्लियर है, समझ गए? अब इसी पे बेस्ट बेटा यहां पर देखो मैंने पूरा टेबल बना दिया, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस देखो, एल चेंज के एरिया कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारे मैंने बना दिए, इवन मास का भी निकाल दिया है कि कंडक्टर के मास के टर्म्स में रेसिस्टेंस कैसे वेरी करता है ना, मास का भी निकाल दिया, मास का भी निकाल दिया। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो ये सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आसान बहुत मुश्किल सवाल नहीं होता है। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज, क्या बोला है? मेल्टेड, मेल्टेड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मेल्टेड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ड्रॉन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये मेरे हिसाब से 16 गुना रेसिस्टेंस कम हो जाए, तो 160 को 16 से डिवाइड करोगे तो 10 हो, क्या डी आंसर आएगा क्या? देखो तो डी आंसर है, 10 ओम हो जाए, मेल्ट करके उसके लेंथ को 1/4 कर दिया है ना, सी कह रहे आंसर, ए कह रहा है आंसर, सी आ गया 1/4 तो चार, अरे ड्रॉन मेल्टेड, मेल्टेड मतलब उसी का मेल्ट करके नया बनाया है तो वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक केबल, ये बढ़िया सवाल है और ये सवाल मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, नहीं कराऊंगा अभी, होमवर्क देता हूं, आराम से घर पे करना, इसका आंसर भी बता देता हूं, बी आएगा, आंसर ही बता देता हूं, बी आएगा, इजी नहीं है, अच्छा लैंग्वेज है, आराम से करना, स्लाइड ये कमेंट बॉक्स में बाद में बता देना, स्लाइड 22, स्लाइड 22 आंसर क्या आएगा, आराम से करके बता देना, ठीक है, आराम से करके बता देना। इन अ 1 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट एक्स एंड वाई, अरे भाई साहब बहुत सुंदर सवाल है, अभी करोगे इसको, बहुत सुंदर सवाल है, करोगे स्क्रीन पॉज करके या किसी तरीके से आराम से इसको पढ़ के करो, मजा आ जाएगा। अ 1 मीटर लॉन्ग वायर ब्रोकन इंटू 2 अनइक्वल पार्ट एक्स एंड वाई, अनइक्वल पार्ट एक्स एंड वाई, द एक्स पार्ट ऑफ वायर इज स्ट्रेच इंटू अनदर वायर ऑफ डब्ल्यू, सबसे पहले जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 मीटर के वायर को अनइक्वल पार्ट एक्स एंड वाई के लेंथ में कन्वर्ट किया, तो मैं कह सकता हूं कि इसका रेसिस्टेंस जो आर एक्स है बटा आर वाई है वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं सर, ठीक है लिख लिया। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर ऑफ डब्ल्यू, मतलब जो एक्स वायर था उसको स्ट्रेच करके हमने डब्ल्यू वायर बना दिया, अनदर वायर डब्ल्यू बना दिया, लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एक्स, जो डब्ल्यू का लेंथ है वो एक्स के लेंथ से डबल है, तो स्ट्रेच करके बनाया है, तो इसकी लेंथ अगर डबल करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, W वायर का रेसिस्टेंस 4 गुना रेसिस्टेंस ऑफ X हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, W वायर का जो रेसिस्टेंस होगा X के कंपेयर में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, the length of the W is twice the length of the X, and अब यहाँ से पढ़ो, and resistance of W is twice the Y, मतलब Y का जो रेसिस्टेंस है जैसे RY है उसका डबल है रेसिस्टेंस ऑफ W, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ W हो गया, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का हमें रेशियो निकालना है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब एक काम करिए, आर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आर एक्स को लिख सकते हैं आर डब्ल्यू बाई 4, आर एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से आर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर एक्स को क्या लिख सकते हैं आर डब्ल्यू बाई 4, एंड आर वाई को क्या लिख सकते हैं, आर वाई को लिख सकते हैं आर डब्ल्यू बाई 2, आर डब्ल्यू बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई वाई, ये कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, एक्स वाई वाई 1/2, बी आंसर आता है, डी सी एक बच्चे की सही नहीं है, देखो डी बी सी क्या है, बी आंसर है, इसका आ रहा है, देखो भागवत का डी, विष्णु का डी, हाँ 4:1 सर बी आएगा क्योंकि एक्स को स्ट्रेच करेंगे, कहा हल बा अच्छा लेवल टफ है क्या इसका, नहीं लैंग्वेज, लेवल टफ है क्या, नहीं लैंग्वेज, क्या कह रहा है उसको समझो, कैसा लगा सवाल बताओ, सवाल कैसा लगा ये बताओ, सवाल कैसा लगा ये बताओ, इंपॉर्टेंट ये है सवाल कैसा लगा सर, सवाल ही तो हवा नहीं लगा
सवाल है कि बवाल है बताओ। फोर टाइम कैंसिल किए है, फोर टाइम कैंसिल किए। लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ X। अब उसको स्ट्रेच किया है, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ होगा, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ होगा। तो इसका X का डबल लेंथ कर दिया और W बना दिया। तो X का डबल लेंथ किया तो X का रेसिस्टेंस चार गुना हो जाएगा। सवाल है कि बवाल है बताओ, सवाल है कि बवाल है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे सवाल है कि बवाल है। चलिए देखिए, ये देखिए, रेशियो ऑफ मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज 2:x:2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके करिए। मोबिलिटी का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, स्मॉल ई, कैपिटल ई तो कट जाएगा, अरे छोड़ यार पूरा ही लिख ले, ये होता है। तो मोबिलिटी हो जाता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम इंटू ई, हाँ तो ये आ गया ना स्मॉल ई टाउ बाई एम, मतलब मोबिलिटी जो होता है चार्ज बटा मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सॉल्व कर लो, चार आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थ्री कॉपर वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर एल कॉमा ए, टू एल कॉमा ए बाई टू, एल बाई टू कॉमा टू ए, देन रेसिस्टिविटी इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, किस केस में रेसिस्टिविटी मैक्सिमम होगा। तो सुन बेटा, गलती मत करना, जो रेसिस्टिविटी होता है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, सारे कॉपर वायर है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, सेम इन ऑल केस आ जाएगा। कम से कम ये तो सही कर लेना, बाकी जो भी है। द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ द सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इफ लेंथ एंड डायमीटर बोथ हार डबल्ड, देन लेंथ एंड डायमीटर बोथ हार डबल्ड, आराम से अटेम्प्ट कर। तो आर बराबर रो एल बाई ए, लेंथ एंड डायमीटर, डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल, आधा होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाफ हो जाएगा ये, ना ना ये डबल, हाँ हाफ हो जाएगा, रेसिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा और रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, लेंथ एंड डायमीटर बोथ आर डबल, देन एस है रेसिस्टिविटी तो ये अनचेंज रहेगा और हाफ हो जाएगा। बी आंसर आना चाहिए, बी आंसर आना चाहिए, बी ही है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड स्लोली बाय 10%, देन न्यू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस बिकम रिस्पेक्टिवली। देखो, अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब होता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, स्लोली बाई 10%। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा 2 times ऑफ डेल्टा एल बाई एल, मल्टीप्लाई 100% दोनों तरफ कर दोगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस बिकम्स, तो रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है, तो 2 into 10 ये 20% बढ़ जाएगा, 20% मतलब 1.20 times या 1.21 times कह सकते हो, तो रेसिस्टेंस 1.21 times बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस। The न्यू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस, तो पहले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपका सेम रहेगा, रिमेन सेम, और ये बढ़ जाएगा 1.21 times। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्या आंसर बनेगा, सी। और ये इसमें भी ये देखो कि पहले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है तो उसको सेम करो, तो ठीक है उसको सेम करो, और रेसिस्टेंस तो चेंज हो रहा है तो सेम और चेंज में एक ही ऑप्शन है, दोनों चेंज हो रहा है, नहीं दोनों सेम है, नहीं क्या रेसिस्टेंस सेम रहा और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं, तो ये आंसर है। और इस तरह के सवाल आप डायरेक्टली बुद्धि से कर सकते हैं, कैलकुलेशन की उतनी नीड भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन की इतनी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली सोच के कर सकते हैं कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम होगा और रेसिस्टेंस चेंज होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेस टू मेक अ इस रेडियस इतना परसेंट, देन परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस इज नियरली, तो कॉपर वायर स्ट्रेच मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, रेडियस इतना हुआ है तो डेल्टा आर बाई आर 4 times ऑफ रेडियस का फ्रैक्शन होता है, मतलब ये 0.4% आएगा, क्या कहते हो 0.4% ही आएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है समझना, कॉफिशियंट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस कौन कहते हैं अल्फा, ये क्या है टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस को कहते हैं अल्फा, ये होता है बेटा डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर को हम कहते हैं अल्फा, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन अल्फा का।
इसको हम उठा के यहां ले जाएंगे तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा आर अल्फा आर डेल्टा टी, डेल्टा आर हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, या यहाँ पे आप इनिशियल रेजिस्टेंस को आर नॉट बोल सकते हैं, तो ये होगा आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट को इधर ले जाइए, माइनस आर नॉट जाके प्लस आर नॉट होगा, तो आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये देखो फॉर्मूला है, यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला। और इसी तरीके से रेसिस्टिविटी को कह सकते हैं रो बराबर रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये है टी टेम्परेचर पे जो रेसिस्टिविटी होगी, इनिशियल रेसिस्टिविटी वन प्लस ये है तुम्हारा अल्फा रो, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी डेल्टा टी, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी डेल्टा टी। देखो ये रोटी की वैल्यू, ये अल्फा रो है, ये क्या है अल्फा रो है, ठीक है, रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ ऐसा बनता है, नाइक्रोम के लिए ऐसा बनता है, ये याद रखना है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हो गया रेसिस्टेंस का जो मैं ड्राइव कर रहा था, ये रहा रेसिस्टेंस। अगर तुम्हें जीरो डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस वन प्लस ये टी टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस की वैल्यू आई। हाँ सर, ये हमें पता है। अगर मैं तुम्हें ये वाला रेसिस्टेंस ना दूं, मैं तुम्हें दूं कि टी वन पे आर टी वन है रेसिस्टेंस और टी टू टेम्परेचर पे आर टी टू है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो क्या डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाए? नहीं, इसमें याद रखना ये फॉर्मूला आप लगाना आराम से, आर टी टू बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा टी टू, आर टी वन बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा टी वन, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, ये बनेगा। इस पे ये सवाल भी हम कर लेते हैं, ये सवाल है यहाँ पे कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये सवाल जेई मेन 2000, जेई मेन 2024 का सवाल। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 16 ओम, 15 डिग्री सेल्सियस पे 16 ओम है एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम है, देन व्हाट विल बी द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, व्हाट इज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। निकालते हैं, आराम से निकालते हैं। तो 16 ओम रेसिस्टेंस है, समझ गया है, 16 ओम रेसिस्टेंस है बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा 15 डिग्री सेल्सियस पे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बटा 20 ओम है बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू 100। यहां से इसको डिवाइड कर देते हैं, पांच से चार से कैंसिल करेंगे तो ये पांच आएगा, ये चार आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां ले आओ 4 प्लस 400 अल्फा बराबर, पांच को यहां ले जाओ, 5 प्लस 15 बचे 75 अल्फा, ये इधर आएगा 400 में से 75 मतलब 325 अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर 1/325, तो 0.003 के आसपास ये आंसर बनेगा, 0.003 देख लो करके, आंसर क्या है सी, कैलकुलेशन का पार्ट है बस, 1/अल्फा। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, समझ में आ गया? अब जिनका बी आया उसको क्या करूं, कुछ नहीं कहूंगा, शांत रहूंगा। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये होता है, कहीं नहीं पढ़ा होगा ना देखा होगा, कैसे होता है यहां से ड्राइव कर सकते, आर बराबर रो एल बाई ए, आप लिख सकते हो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा एल बाई एल माइनस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए, एरर थोड़ी ना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो निगेटिव है उसको तो माइनस लेंगे ही, सर माइनस लेंगे, डेल्टा टी से सब में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा सर, अल्फा आर बराबर अल्फा रो प्लस अल्फा माइनस टू अल्फा, सॉरी 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 बेटा, टू यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ माइनस, सिर्फ माइनस, ये ए है ना, तो डेल्टा ए बाई ए, और डेल्टा ए बाई ए होता है टू अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा आर बराबर अल्फा रो माइनस अल्फा, यही तो है, पर माइनस नहीं है, अबे माइनस अल्फा को उधर ले गए हैं, देख ध्यान से, ठीक है, क्लियर है क्या? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट फटाफट देख लेते हैं। ये बैटरी है, मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अगर मैं इसके करंट अंदर डालता हूं तो ये चार्ज होगा, और अगर यहां से बैटरी है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट बाहर निकलता है तो ये डिस्चार्ज होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल होगी वो ईएमएफ की अलग होगी, क्यों? अरे इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है इसका कुछ आर, ये ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा बेटा वो क्या होगा, चार्जिंग के केस में होता है ई प्लस आई आर, किरचॉफ्स लॉ से लिख सकते हैं,
और डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल होगा ई माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग केस में क्या होगा देखो ई माइनस आई आर, और चार्जिंग केस में क्या होगा ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर में टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओगे, तो टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप रेसिस्टेंस को बताएगा और इंटरसेप्ट ईएमएफ को बताएगा। डिस्चार्जिंग केस में बताओगे तो देखो इसका स्लोप क्या है निगेटिव, बेटा ये वाई एक्सिस पे और करंट को रखोगे एक्स एक्सिस पे, तो इस ग्राफ को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के कंसेप्ट से बनाओगे तो ईएमएफ तुम्हारा जो इंटरसेप्ट बताएगा और निगेटिव इसका रेसिस्टेंस स्लोप को बताएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आ गया? अभी सवाल करके बताइए। फाइंड वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ, इंटरनल रेसिस्टेंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। आराम से देखिए सवाल, ये टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है, ये जो कट कर रहा है बेटा वो ईएमएफ बताएगा, तो आपका ईएमएफ आ गया 20 और स्लोप रेसिस्टेंस को बताएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हम यहां से देखते हैं एंगल, लेकिन हम पीछे से देख सकते हैं, बस निगेटिव को पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहां से जब हम स्लोप देखेंगे तो 20 बटा 5 मतलब 4 ओम आएगा, वैसे भी रेसिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, 20 वोल्ट एंड 4 ओम, जल्दी बता दीजिए 20 वोल्ट एंड 4 ओम। क्लियर है क्या, 20 वोल्ट एंड 4 ओम क्लियर है क्या? चलिए किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ की मोटा मोटी बात मैं तुम्हें थोड़ा समझाऊं, किरचॉफ्स लॉ का मोटा मोटा बात समझाऊं कि पहला जो लॉ है किरचॉफ्स लॉ, पहला किरचॉफ्स लॉ वो चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। वो कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है समझ गया। और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ द बैटरी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस बराबर 0, मतलब जितना पोटेंशियल हमने दिया है उतना सर्किट में ड्रॉप हो जाएगा। सवाल करने के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस है, मान लीजिए करंट जा रहा है, अब मुझे बताओ कि अगर इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हुआ है तो एक बात तो पक्की है कि एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, कम ऑन, हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना है कि किरचॉफ्स का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और किरचॉफ्स का दूसरा लॉ एनर्जी पे बेस्ड है। अब एक बात बताओ एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है कि नहीं? अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस आर, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वायर का रेसिस्टेंस आर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर पोटेंशियल सेम होता तो करंट फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल अलग होगा। कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर पोटेंशियल ज्यादा होगा एक्स का, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? एक्स का। तो आप कह सकते हो कि एक्स का जो पोटेंशियल है मान लीजिए वी एक्स, उससे कम होगा वाई का, तो करंट की डायरेक्शन में जब हम जाएंगे एक्स से वाई की तरफ हम जब जाएंगे तो लिखेंगे एक्स की पोटेंशियल में आई इंटू आर टाइम्स पोटेंशियल घट के वाई का पोटेंशियल मिलेगा। हाँ ये है तुम्हारा किरचॉफ सेकंड लॉ, तो बस इतना ही। हाँ और बैटरी में करंट आगे जाए या पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, अगर मान लीजिए एक्स है या वाई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो बोलोगे एक्स की पोटेंशियल में बैटरी का ईएमएफ छोटे से बड़े डंडे पे जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, तो वी एक्स प्लस ई बराबर वी वाई। क्या ये दो चीजें आपको समझ में आती है? क्या ये दो चीजें आपको समझ में आती है जो मैंने बताया? करंट बैटरी में कहां जा रहा है इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है, लो से हाई की तरफ जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल बढ़ेगा, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ आओगे इसमें से इतना ही पोटेंशियल घटा के इसका पोटेंशियल मिलेगा, करंट की तरफ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है आईआर के बराबर। बस ये दो चीजें आपको आती है कि नहीं आती है बता दीजिए फटाफट। अगर आती है तो एक बढ़िया सवाल मैंने लिखा है, पहले ये करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या है? वीबी माइनस वीए बताइए। नीट में ऐसा सवाल आए हैं और आ सकते हैं। वीबी माइनस वीए बताइए। सर ए कहां है? ए यहां है। सर बी कहां है? बी यहां है। हमें क्या बताना है? वीए माइनस वीबी माइनस वीए। बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा सवाल है। बी बी माइनस बी ए बता, तो बी से ए तक आप चल लीजिए, हो जाएगा काम। सर काम तो हो जाएगा, बी से ए तक चल लेते हैं। चलिए तो बी से ए तक चलेंगे तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल आपकी कुछ बी बी है, ऐसे जाएंगे तो लोअर से बड़े डंडे तक जाएंगे, जितनी पोटेंशियल यहाँ पे आपने मानी है बी बी उसमें से 8 जोड़ दीजिए तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। करंट ऐसे आ रही है ना, ये 2 एम्पियर करंट ऐसे आ रही है, करंट के अपोजिट जाएंगे पोटेंशियल यहाँ पे ऐड करेंगे आप 2 इंटू करेंट 2, फिर यहां जाए
यहां पे करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा 3 × 5, फिर बड़े से छोटे में जाएंगे तो -6 बराबर वी ए, तो वी भी 8 + 4 -5 × 15 -6, तो ये 8 × 4 = 12, 12 में से 15 जाएगा तो -3, तो -3 - 6 - 9, तो वी बी माइनस वी ए बराबर +9 वोल्ट आंसर आएगा, 9 वोल्ट +9 वोल्ट आंसर है, ले +9 वोल्ट आंसर है, देख +9 वोल्ट। एक बच्चे का आया है बस, राजनंदिनी का -9 आया है, उदित नारायण का आया है 9, हिमांशी का आया है 9, मोहित राठौर का 17 आया है बेटा, 17 बार कान पकड़ के थप्पड़ मारो अपने को, 9 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। यस, कैसा सवाल लगा बताओ, आते कि नहीं आते नीट में ऐसे सवाल बताइए, यस 9 वोल्ट इज अ करेक्ट। सर हमें ये नहीं समझ में आया, आपको बताते हैं कैसे है, 5 एम्पियर यहां से पहुंचा करंट, इस 5 एम्पियर जो करंट आया है उसमें से 2 एम्पियर इधर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है 3 एम्पियर इधर जाएगा, क्यों सर, जब 5 आया है तो 5 जाएगा, 2 इधर गया तो 3 इधर जाएगा, और करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो बैटरी करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और करंट के अपोजिट जाएंगे तो रेसिस्टर में पोटेंशियल ऐड करके आगे बढ़ेगा, बताइए समझ में आया, अच्छा सवाल लगा। दूसरी बात ये मान लीजिए एक सवाल है, क्या है, एक लूप कहिए, नीट में एक लूप पे बहुत सारे सवाल होते हैं, एक लूप है यहां पे एक बैटरी बना हुआ है, ये रेसिस्टेंस ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस इसमें करंट कितना बहेगा, तो यहां से मान लो कुछ तुम आई करंट मानते हो, आई करंट पूरे लूप में तो सेम ही जैसा बहेगा, हाँ सिंपल सम ऑफ वी बटा सम ऑफ आर कर दो, सम ऑफ वी कैसे, जैसे मान लो बड़ा बैटरी बकरो, ये बड़ा बैटरी है, यहां से चलो लो से हाई जाओगे तो +12 वोल्ट, और ऐसे 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 हाई से लो जाओगे तो 3 वोल्ट कम कर दो, तो 12 - 3 बटा ये सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ लो, 2 2 और 1 3 3 3 6 6 और 1 7 7 2 9 9, 1 एम्पीयर का करंट है। तो यहां पे मैंने यही समझाया है कि सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में ले लो, 9 आ गए, और एक बैटरी में लोअर से हायर की तरफ चलो, ऐसे चलो फिर घूम के यही तक आ जाओ, तो ये तुम्हारा लोअर से हायर था 12, और फिर हायर से लोअर था इसलिए घटा दिया, तो 9 / 9 1 एम्पीयर आ गया। पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, कि सर्किट कैसा भी बना हो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को आप 0 कहीं भी मान सकते हो, क्या लिखा है पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या होता है, करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस नॉट ऑन पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, हेंस यू कैन अज्यूम 0 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इसको पढ़ो तो थोड़ा पढ़ो इसको चमकेगा, ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा पढ़ो, कह रहा है बेटा करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, सही बात है, नॉट ऑन पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, हेंस यू कैन अज्यूम 0 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 मान सकते हैं कहीं भी, किसी भी एक पॉइंट पे 0 मान सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट पे 0 नहीं मान सकते। जैसे बेटा एक सवाल है, समझना थोड़ा सा समझना, ये 15 ओम है, ये 30 ओम है, 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, हमें मान लीजिए कि इसमें करंट पूछा है कि बताइए भैया करंट कितना बहेगा, तुम इस पूरे सर्किट में एक जगह कहीं 0 मान सकते हो, कहां 0 मानना आसान होगा, यहां पे 0 वोल्ट मान लो, अगर बेटा मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानता हूँ तो यहाँ पे +20 होगा, हाँ सर यहाँ पे +10 होगा, अगर 0 से 0 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो 0 से 20 ऐड करेंगे ना, छोटे से बड़े डंडे पर जाएंगे तो ये +20 वोल्ट हो गया, अब छोटे से बड़े पर जाएंगे तो +10 ऐड करेंगे, तो ये 20 और ये 10 तो डिफरेंस हो गया तुम्हारा 10 का, तो करंट जाएगा तुम्हारा 10/3 1/3 एम्पियर, देखो यहाँ ये 0 वोल्ट माना 1/3 एम्पियर करंट होगा, देखो I2 ये I2 करंट देखो 1/3 एम्पियर, और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, एरो गलत है, 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ ऐसे जाए, और यहाँ पे -5 हो गया, ये 10 हो गया, 10 और -5 का डिफरेंस 15 हो गया, इधर से करंट जाएगा इस तरफ I1 जो कि होगा 15/15 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर देख लो आराम से, क्या ये चीज़ समझ आती है आपको, चलिए एक एसर्शन रीजन लिखा है पहले, सबसे पहले इसको समझते हैं करते हैं क्या है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जंक्शन रूल कंजर्वेशन, जंक्शन मतलब वही होता है पॉइंट पर, हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सही है, किरचॉफ्स रूल लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ दोनों सही है, ए इज फॉल्स, बोथ इज फॉल्स बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा एक चीज यहां पे समझिएगा, पहले मैं ये बना देता हूं, जैसे कैपेसिटर में हमने किया था उसी तरीके से रेसिस्टेंस में भी होता है। क्या होता है सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट की पोटेंशियल वी1, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस पॉइंट की पोटेंशियल वी1, और इसका रेसिस्टेंस आर1, इसका रेसिस्टेंस आर2, इस पॉइंट की पोटेंशियल वी2, इसका रेसिस्टेंस आर3, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी3, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, इस पॉइंट की पोटेंशियल, तो v बराबर होगा v1 by r1 plus v2 by r2 plus v3 by r3 divided by 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3। इस तरीके से एक जंक्शन का पोटेंशियल आप निकाल सकते। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहां पे ये कंसेप्ट आपका यूज होगा। सर कैसे सवाल, जैसे मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है 10 ओम है, 20 ओम की रेसिस्टेंस है और ये 5 ओम की रेसिस्टेंस है। सवाल को देख लो अच्छे से, सवाल को अच्छे से देख लो, ये 20 वोल्ट है 10 ओम है, 20 ओम है और 5 ओम है 10 वोल्ट है। यहाँ पे अगर मैं जीरो मानता हूँ, यहाँ पे जीरो 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 से इधर जाऊंगा तो 20 वोल्ट यहाँ हो गया, जीरो 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 है तो 10 वोल्ट यहाँ हो गया और ये जीरो वोल्ट है। एक बात बताओ कि अगर मैं इसको इधर से मिटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे मिटा दूँ तो ये 20 वोल्ट 10 ओम, देखो 20 वोल्ट 10 ओम, 0 वोल्ट 20 ओम, 0 वोल्ट 20 ओम, और ये 0 था तो यहाँ पे 10 वोल्ट 5 ओम, 10 वोल्ट 5 ओम। इस पॉइंट की पोटेंशियल मैं नहीं निकाल सकता हूँ इस वाले मेथड से जो अभी समझाया है। ये सवाल और ये सवाल सेम हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर सेम हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल दूँ कैसे, बी बराबर होगा 20 बटा 20, 0 बटा 20, 10 बटा 5, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 5। देखो ये रहा, ये तुम्हारा ईएमएफ आ गया, और यहाँ का अगर तुम्हारा ईएमएफ पोटेंशियल आ गया, ये 20 पता है और यहाँ पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस करंट, ये पोटेंशियल पता है ये पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस करंट। देखो समझ आ रहा, ये सर्किट एनालिसिस के कुछ ऐसे सवाल आते हैं, क्या कर लोगे। नेक्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल कराऊंगा, नया सवाल कराऊंगा ठीक है, लेकिन पहले इसको पढ़ ले थोड़ा सा, इसको एक बार समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। देख सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, एंड टू एंड हो ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट सेम जा रहा है तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जैसे 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 अगर मैं ये सर्किट तुम्हें दिखाऊं, जैसे मैं तुम्हें ये सर्किट दिखाऊं, कौन सी सर्किट थे भाई आ जा रहे है? ये सर्किट दिखाऊं तो भाई इस रेसिस्टेंस के बाद ये रेसिस्टेंस तो सीरीज में, लेकिन बीच में तो बैटरी आ गई, फिर ये रेसिस्टेंस आ गया, फिर रेसिस्टेंस आ गया, बीच में बैटरी आ गई, फिर रेसिस्टेंस आ गया, तो क्या इसको मैं सीरीज बोल सकता हूँ सबको एक साथ? हाँ, पर एंड टू एंड तो कनेक्टेड नहीं है, इस रेसिस्टेंस के बाद ये रेसिस्टेंस है लेकिन इसके बाद ये रेसिस्टेंस नहीं है सर, तो इन दोनों को सीरीज बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि करंट सेम जा रहा है। तो सीरीज रेसिस्टेंस पहचानने का क्या तरीका है, एंड टू एंड कनेक्टेड हो ना तरीका, दूसरा तरीका है कि तीनों में करंट सेम जा रहा हो। बोलो चमका कि नहीं, चमक गया तो कमेंट बॉक्स में आग ही आग लगा दो भाई, प्लीज प्लीज, सिर्फ आग दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, अगर चमक गया तो, अगर चमक गया तो, ये या तो वो एंड टू एंड हो नहीं तो सब में करंट सेम जाए, या तो वो एंड टू एंड हो नहीं तो करंट सब में सेम जाए, ये तरीका होता है समझने का, क्लियर। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो करंट तो सब में सेम जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस सबको जोड़ के निकालते हैं, है ना, इसीलिए जो आर इक्विवेलेंट होता है बड़े वाले से भी बड़ा होता है क्योंकि सिंपल एडिशन होता है। अगर एन इक्वल रेसिस्टेंस है, एन इक्वल रेसिस्टेंस हो रहा है तो एन आर हो जाएगा उसकी वैल्यू, आर इक्विवेलेंट विल बी, आर इक्विवेलेंट विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट रेसिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एम आर स्टार पॉइंट, करंट सब में सेम है लेकिन पोटेंशियल अलग है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, क्यों, क्योंकि वी बराबर आई आर, आई सब में सेम है तो जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा। अरे चाचा वी बराबर आई आर, करंट सब में सेम है तो हम कह सकते ना कि वी वन बाई वी टू बराबर आर टू बाई आर वन बाई आर टू, जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, हाँ सर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा पोटेंशियल सेम होता है। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन दो तरीके से देख सकते हैं कि अगर रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल दो रेसिस्टेंस का और उन्हीं दोनों का दूसरा टर्मिनल एक साथ हो तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पहला बात तो ये हो गया। दूसरी
दो रेसिस्टेंस को पैरेलल बोल सकते हैं अगर दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर वी वन वी टू की वैल्यू वी के बराबर आ जाए तो पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है। यहां पे जो टोटल करंट सर्किट में जाएगा वो दोनों करंट के सम के बराबर होगा। रेसिस्टेंस वन अपॉन आर की तरह जोड़ते हैं, इसमें जो एन इक्वल रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, एन इक्वल रेसिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हैं तो आर इक्वलेंट आर बाई एन हो जाता है। आर इक्वलेंट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, क्यों भाई, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू जोड़ने से पैरेलल में घटती है, तो आर इक्वलेंट छोटे वाले से भी छोटा होता है। एम आर स्टार लॉ कि आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, भी सबका सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। जितना कम रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा करंट, जितना कम रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा करंट, जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, बोलो हाँ कि ना, जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। ये मैंने बता दिया कि इस जंक्शन की पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने बता दिया। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, बहुत छोटा सवाल, कैपेसिटर में भी कराया था मैंने, बहुत छोटा सवाल। 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 ओम 6 ओम 4 ओम है, तो सिंपल कह सकते हो कि सब में करंट सेम जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जितना इसमें होगा उसको अगर हम x मानते तो इसमें 2x होगा, इसमें 3x होगा, तो 3 2 5 1 6 6x बराबर 24, तो x बराबर 4 वोल्ट। यहां पे 4 वोल्ट, यहां पे 12 वोल्ट, यहां पे 8 वोल्ट, टोटल 24 वोल्ट। करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा 24 बटा 6 4 10 2 12, 24 बटा 12 मतलब 2 एम्पियर, और करंट अगर 2 एम्पियर है तो पोटेंशियल आईआर होता है 2 × 4 = 4, ऐसे भी आया है। अब बताइए, सवाल देख के तुम्हें नहीं लगा कि यार क्या बच्चों वाली सवाल है? हाँ बच्चों वाली सवाल है, एक्सेप्ट बच्चों वाली सवाल है, लेकिन नीट में भी जो सवाल आएगा वो बच्चों वाली ही होगा, मैं बता दूं तुम्हें, लेकिन इसी कंसेप्ट को यूज कराएगा लेकिन अलग लैंग्वेज में। वो मैं कराऊंगा अभी, चिंता मत कर। फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। अच्छा, इसमें बच्चे एक चीज पूछते हैं, सर वो 2 × 4 तो ठीक है खेल लिया, लेकिन सब सर अंडभंड हो जाएगा तो कैसे करोगे, उल्टा सीधा हो जाएगा तो कैसे करोगे? देख, जैसे मान लो ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, अब ये 7 ओम है, अब करके दिखाओ तो मान जाएंगे कि आप एम आर स्टार हो, कहते हो डैश डैश हो। तो सुन, अभी देख, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, हाँ होता है। इसमें x मानूंगा तो इसमें रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 5x बटा 2 आएगा, 7x बटा 2 आएगा। तीनों को जोड़, 7x बाई 2 प्लस 5x बाई 2 प्लस x बराबर 12, दो दो एलसीएम ले ले, 12 दूना 24, दो दो एलसीएम लेगा तो 7 5 12 और 12 और 2 14, 14x, x बराबर 24 बटा 14। ये अगर ऊपर का माले में कुछ है तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ध्यान से देखियो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। अगर मैंने V बराबर IR, करंट सेम है तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता। अगर मैंने यहां पे पोटेंशियल X माना, 2 ओम में X माना, तो यहां पे रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा उसमें इसका रेसिस्टेंस ऊपर, हाँ उसका रेसिस्टेंस ऊपर, इसके टर्म्स में लिख रहा हूं तो इसकी रेसिस्टेंस नीचे चली जाएगी 5x / 2। यहां पे पोटेंशियल इसके रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो 7 ऊपर तो 2 नीचे, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस कटा, पोटेंशियल पोटेंशियल डायमेंशन मैच कर गया। कैसे होगा, ले हो गया दो लाइन में बाय रुचि बाय ओ ओ ओ, हां बोलूंगा बाय ओ ओ ओ, क्योंकि तू बाय ओ ओ ओ है, तू बायोलॉजी है, बोलूंगा बायोलॉजी। देख इधर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, हाँ आई इज इक्वल टू वी बाय आर लिखते हैं, पोटेंशियल सेम होता है, तो करंट सबसे कम रेसिस्टेंस में सबसे ज्यादा जाएगा और सबसे बड़े रेसिस्टेंस में सबसे कम करंट जाएगा। जितना बड़ा रेसिस्टेंस उतना कम करंट, जितना बड़ा रेसिस्टेंस उतना कम करंट। अच्छा ठीक है, अब देख ये 2 ओम 4 ओम 8 ओम है, ठीक है, तो अगर सबसे बड़े रेसिस्टेंस में सबसे कम करंट जाएगा तो 8 ओम में x माना, देख 8 ओम में x माना, 8 ओम में x माना तो आधा रेसिस्टेंस तो डबल करंट, 1/4 रेसिस्टेंस तो 4 गुना करंट, x 2x 4x 4 2 6 7 x बराबर 14, तो x बराबर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जान भाई ला पायो नहीं भाई हूं मैं, भाई हूं ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम और 5 ओम,
यहां पे करंट जा रहा 10 एम्पियर, अब बताओ 5 ओम में कितना करंट जाएगा। इससे आसान सॉरी इससे मुश्किल तो जेई मेन में भी नहीं पूछ सकता कभी, जेई मेन में भी नहीं पूछ सकता कभी, ठीक है ना। ठीक है, वह खाएगा और क्या खाएगा। देख सर यहां पे करंट पूछे, हाँ एक बात बता, ये दोनों तो एक ही यूनिट है ना भाई, अलग अलग देखे तू क्यों कंफ्यूज हो गया, तो ये 9 हो गया। हाँ सर, तो सबसे ज्यादा वाले में सबसे कम करंट जाता है, तो इसमें एक्स मान, सबसे ज्यादा वाले में सबसे कम करंट जाएगा, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, इसमें एक्स मान सर मान लिया। तो ये अगर 9 है तो कितना गुना रेसिस्टेंस कम हुआ, 3 गुना, तो करंट 3 गुना बढ़ेगा। अब यहां पे तो सर गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा सर, यहां पे तो 2 है, तो सुन 9x / 2 करंट जाएगा सर, नहीं आया नहीं आया तो करना आएगा, लिखना करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता, निकाल नहीं आया। इसमें मान ले करंट निकालना आई, हमें नहीं पता आई निकालना है, बट ये हमें एक्स पता है, बराबर इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, तो ये है तुम्हारा एक्स, इधर है तो ऊपर 9 जाएगा, इधर 2 जाएगा, एक्स को यहां ले जा, आई बराबर 9x / 2 ले भाई, लो जी नहीं यार भाई, लो जी की ऐसी तैसी, देख सर ऐसे हमारे बायोलॉजी वाले मास्टर की बेइज्जती मत करो, तू बेइज्जती लेता है तो ले, हमको डैश फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो तेरी बेइज्जती कर रहा हूं, कोई मास्टर ले ले तो मैं क्या करूं। बता अब क्या करें, सारे करंट को जोड़ दे, 9x / 2 3x और x जोड़ के 10 लिख दे, बोल ये तेरा होमवर्क है, कर लेना। स्लाइड 48, अब आ सवाल कराता हूं, अब दिमाग की बत्ती घुमा दूंगा, क्या कर दूंगा, दिमाग की बत्ती घुमा दूंगा, कह रहे सर हमको भी खाना है, जीवन में धक्के खा रहा है ये कम है, ये खाना भी खाएगा, अरे भाई लो जी धक्के खा धक्का, देख द वैल्यू ऑफ करंट आई वन, भाई मजाक करता हूं ज्यादा सीरियस मत लेना, पर हम तो ले लेंगे, ले ले दैट्स फर्क नहीं पड़ता हमें, चले देख फाइंड वैल्यू ऑफ आई वन फ्लोइंग फ्रॉम ए टू सी इन द सर्किट डायग्राम इज, एक मिनट बैटरी बनाई नहीं क्या मैंने, तो करंट कैसे निकालेगा रे, सोल 16 वोल्ट है ए टू सी, ठीक है फाइंड वैल्यू ऑफ आई वन फ्लोइंग फ्रॉम ए टू सी इन द फॉलोइंग डायग्राम, ए यहां है बेटा, सी यहां है, और ये डायग्राम है, ये 16 वोल्ट की बैटरी है, अब ए से सी में कितना करंट जा रहा है इस वायर में बताना, ये 2 में 5 में 2 में 4 है 4 है 2 है 5 है 2 है। अब इस सवाल को स्क्रीन पॉज करके थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आराम से करो, तो करो, तो करो, तो वीटेसमन ब्रिज अंडा स्टडीज अंडा स्टडीज में पढ़ते हैं, ये क्या है, कह रहा अंडा स्टडीज में पढ़ते हैं, अंडा आज सिखाऊं तुम्हें फंडा, आंसर निकाल दी, देना देख ध्यान से, तो ये तेरी 16 वोल्ट की बैटरी है, हाँ सर ये 16 वोल्ट की बैटरी है, अब यहां से करंट ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, अब एक बात बता ये वीटस्टोन ब्रिज है या ना है, 2-2 ओम कहां लगा है नहीं लगा, इस बात से मैं डैश फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में ये वायर है, ए और सी के बीच में डायरेक्टली बैटरी है 16 वोल्ट का, हाँ
तो कहीं सर्किट को ऐसे नहीं बना सकता कि ए और सी के बीच में डायरेक्टली 16 पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है 8, तो आई बराबर 16/8 बराबर 2 एम्पियर। हमें ऊपर नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। कितने लोगों को यह चमक गया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। हाँ, और सिर्फ इसी वायर में करंट पूछा है, मुझे बैटरी से करंट नहीं पूछा है भाई, मुझे बैटरी से करंट नहीं पूछा है भाई, इस वायर में करंट पूछा है। तो यहां से यहां का नेट रेसिस्टेंस तुम्हारा 4/8, ये टच तो नहीं कर रहा, ये वायर से टच तो नहीं कर रहा, और इसमें करंट अगर मेरे से पूछा है तो रेसिस्टेंस 4/8 16/8 2 एम्पियर। हमें इनसे बी डेसिमल बेस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें वी डेसिमल बेस से कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम्हें बड़ा सा वी डेसिमल बेस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसा लगा बोलो, ऐसा लगा बोलो। तुमने सोचा होगा ये 2/2 और 2/2 बैलेंस हो गया, तो ये 5 और ये 5 हटा देते हैं, तो एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता सीधे हो गया। फिर नेट करंट थोड़ी ना पूछा है कि इसमें 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 कितना करंट जाएगा निकालो, तुमने तो इसमें पूछा है, और यहां से यहां का पोटेंशियल डायरेक्ट दिया हुआ है, 2/ रेसिस्टेंस करंट। बताओ कैसा लगा? तो बड़ा बढ़िया सवाल था। ये देख, ये 20 वोल्ट की बैटरी यहां है, 6 ओम 6 ओम 4 ओम 4 ओम, यहां पे इस वायर में करंट पूछा है। अब ध्यान से समझना, सिर्फ एक चीज विजुलाइज करने की कोशिश करना, ये वाला पार्ट जो पीछे बना है ना उसको उस तरफ बना। सर मतलब आप कह रहे हो कि ये 4 ओम था रहने दे, ये 4 ओम था रहने दे, हाँ ये 4 ओम और 4 ओम रहने दो, और इस वाले पार्ट को उधर बनाना है। तो यहां से 6 ओम आएगा, यहां पहुंचा एक्स, इसको बोल देता हूं, और फिर ये 6 ओम यहां पहुंचा। क्लियर है क्या? सर क्लियर है, क्लियर है। और यहां से यहां तक आई है, इस 4 से 4 तक ये आई है, ये 6 ओम है, ये आई है, और यहां पे हमारा 20 वोल्ट की बैटरी है। यही तो सर्किट है। इस x को इस पॉइंट से जोड़ दिया, देखो इस पॉइंट से जोड़ दिया, ये तो सर्किट है। तो सर ये बटा ये 6/6 4/4 वैलेंस वेटेशन बीच बन जाएगा, यहां से करंट नहीं जाएगा, तो 0 एम्पियर आना चाहिए। क्या होगा? बी आएगा आंसर। कहां से ए आ रहा रही? वैलेंस वेटेशन बीच है ये। अरे से बातें करते, छोड़ो यार, कहां से तुम्हारा ए आया? चल एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अच्छे समझना, अच्छे समझना कि अगर मैं यहां पे बेटा 0 वोल्ट मान लेता हूं, मेरी मर्जी मैंने मान लिया 0 वोल्ट, 0 0 0 0 0 0, लोअर से आई जाऊंगा +40 वोल्ट, तो ये +40 वोल्ट होगा, ये मानता है। हाँ, क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि यहां 40 वोल्ट है और यहां 0 वोल्ट है, इसमें जो करंट जाएगा वो 40/4 मतलब 10 एम्पियर जाएगा। तो कह सकते हो 3 और 1 4 सीरीज में। यहां से भी ये 40 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, क्या यहां भी करंट कह सकता हूं 10 एम्पियर जाएगा? अब ए से बी पे चलना है क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, तो लिखो यहां पे वी ए, तो लिख लिया वी ए, करंट के अपोजिट में जाओगे तो +1 × 10, फिर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो -3 × 10 बराबर वीबी। तो VA इस VB को इधर लाओ, -VB बराबर 30 में से 10 जाएगा, 20 वोल्ट तुम्हारा आंसर आएगा। आराम से देखो इसको, यस बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है। यहां से ऐसे करंट जा रहा है, तो हम यहां से जब चलेंगे तो करंट के अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इस पॉइंट के कंपेयर में यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। करंट के अपोजिट में पोटेंशियल ऐड करते हैं, करंट के डायरेक्शन में घटाते हैं, करंट के डायरेक्शन में घटाते हैं, देखो सही है क्या? ये देखिए 5 आइडेंटिकल लैंप ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एज शोन इन अ फिगर, देन रीडिंग ऑफ आइडियल डायमीटर इज स्लाइड 52, होमवर्क है आपका। चलिए ये बताइए, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर गिवन इन हाइपोथेटिकल सर्किट इज, इस सर्किट में इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। और याद रखिएगा, इसने सिर्फ वोल्ट मीटर लिखा हो या आइडियल वोल्ट मीटर लिखा हो, इस वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस होगी, इस वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी, इस वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी, इस वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस। क्लियर है क्या? अब बताइए इसकी रीडिंग क्या होगी। अब सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से,
करो तुम एक बार करो, पहले तुम करो मैं फिर बताता हूं, करो फिर बताता हूं। हेलो सी बता रहे बच्चे, सभी का बच्चा बच्चों का जवाब है, मुझे तो नहीं लग रहा ठीक है सर। सॉल्व कैसे किया बताना, कैसे सी कैसे सी बताना सर। मेरे हिसाब से तो बी आएगा, देखते हो आंसर क्या दिया है, बी दिया है 20 वोल्ट आएगा। सर लेकिन बी कैसे, बी ऐसे आइडियल वोल्ट मीटर है, यहां से तो करंट जाएगा नहीं, नहीं सर यहां से करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें जाएगा करंट, इसमें जाएगा करंट, यहां से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो यह करंट नहीं अलाउ होगा। और जहां पे वोल्ट मीटर लगा है उसके दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल बताना। ये पॉइंट कहां है, बी, बी यहां है, ए कहां है, इसमें करंट तो जा नहीं रहा, ये यहां है, तो इस पॉइंट के बीच में बैटरी है 20 वोल्ट का, वही उसकी तो रीडिंग बताएगा। ये कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल, ये सवाल तो कुछ था ही नहीं, दिमाग था, हाँ तो वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। करंट आई इन द गिवन सर्किट इज 7x/4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। करंट आई इन द गिवन सर्किट इज, करंट आई इन द गिवन सर्किट इज 7x/4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये आई की वैल्यू है 7x/4, 7x/4, तो मुझे एक्स की वैल्यू इसमें से बतानी है। कैसे करोगे, मान लो ये सवाल ऐसा है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले ये विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि पूरे सर्किट में कहीं भी हम 0 वोल्ट मान सकते हैं क्या। यहां पे आप 0 वोल्ट मान सकते हो, अगर तुमने यहां पे 0 माना, 0 माना, 0 माना, तो ये माइनस, या फिर यहां 0 मान सकते हो, यहां 0 मान लो, यहां 0 वोल्ट अज्यूम कर लो, कोई बुराई नहीं। यहां 0 अज्यूम करोगे तो अगर ये 0 हो गया तो लो से हाई में जाओगे तो 20 वोल्ट का जंप देगा, प्लस 20 वोल्ट आएगा, ये प्लस 20 वोल्ट आएगा, ये प्लस 20 वोल्ट है, और फिर लो से हाई तो प्लस 30 देगा, प्लस 30 प्लस 30 30 वोल्ट हो जाएगा, 30 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, डिफरेंस कितने का आ गया, 10 वोल्ट का, तो करंट आ जाएगा तेरा 10/2 = 5, 5 एम्पियर करंट इधर जाएगा। और बेटा ये 0 है और ये 30 है, ये 30 वोल्ट 0 वोल्ट, तो डिफरेंस आ गया तुम्हारा 30 वोल्ट का, और रेसिस्टेंस कितने हो गए 8, इधर आएगा करंट तुम्हारा 30/8 एम्पियर। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो डिफरेंस आ गया 30 का और रेजिस्टेंस 8। सर इधर करंट गया आपका कुछ 5 एम्पियर, इधर गया आपका 30/8 एम्पियर, इधर भी गया, इधर भी गया, दोनों गया गया है, तो यहां से आया होगा I बराबर आप लिख सकते हो 30/8 + 5, 8 LCM ले लेंगे, 8 बचे 40 और 30 70/8, और ये बोला है 7x/4, 4 से काटोगे तो 2 और 7 से काटोगे 10, तो x = 5 आंसर आ रहा है, 5 x = 5। कैसा लगा सवाल, देखो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी इज एक्स एंड अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी इज वाई, इफ एक्स प्लस वाई इज 11 एम्पियर/3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू, अच्छा 11a/3 तो ए की वैल्यू बताओ। समझो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी इज एक्स, 10 वोल्ट बैटरी में टर्मिनल पोटेंशियल एक्स है, एंड अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी इज वाई, Across 2 volt battery is Y. If X plus Y is 11a/3, then find value of A. Then find value of A. 11a/3. Then find value of A. एक बात बताओ, मैं किताब तो लिख ही सकता हूं यार, तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में, उत्थान के चक्कर में मैंने जितने नए सवाल लिख दिए हैं उसमें एक किताब तो लिख ही सकता हूं, बताओ हाँ कि ना। तुमको उत्थान के चक्कर में, तुम्हारे उत्थान के चक्कर में बताओ, न्यू क्वेश्चन के कलेक्शन का एक नया किताब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। ये सवाल कैसा है, बहुत बढ़िया, अभी सॉल्व करोगे ना और बढ़िया लगेगा, अभी सॉल्व करोगे ना और बढ़िया लगेगा, दिमाग हिला देगा।
और बताया गलती से बात हो गई थी मेरी, फिर गलती से किसी एक आदमी ने बोल दिया कि उत्थान में कंटेंट कॉपी हो रहा है। और कहां से कॉपी हो रहा है? उसमें सिर्फ अभी तक बेसिक मैथ पढ़ा है, वहां से कॉपी किया है। और मैंने क्या पढ़ा है? बेसिक मैथ, काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिया, वहां 1 चैप्टर हुआ है और बोला कि वहां से कॉपी हुआ है। उत्थान का कंटेंट कॉपी हुआ है, उत्थान का कंटेंट कॉपी हुआ है। उत्थान में कंटेंट कॉपी हुआ है कहीं से। किसी को लगा था। मैंने बोला बताओ कहां है एक सवाल ऐसा जो तुम बता दो कि कॉपी हुआ है, मैं YouTube पे आके सॉरी बोलूंगा, नहीं तो आपकी मर्जी, ज्यादा नहीं। नहीं तो मैं ये भी बोल सकता था, नहीं तो आप आके सॉरी बोलो, ये नहीं बोला मैं। तुम जानते हो कितना अच्छा इंसान हूं मैं। मैंने YouTube पे वीडियो आ गई थी कि उत्थान में कंटेंट कॉपी हुआ है और मुझे पता नहीं कहां से कॉपी हुआ है, क्या है, और उसमें एक ही चैप्टर वैसा हुआ है जो मैंने उत्थान में अभी तक करा दिया था, फिर वहां से कॉपी हुआ है। मतलब कैसे हिम्मत हुई यार बोलने की, कैसे हिम्मत हुई बोलने की। बाद में मुझे पता चला, मैंने चेक किया कि जो क्लेम कर रहा है कहां से कॉपी हुआ है, क्लेम कहां कर रहा है कि कहां से कॉपी हुआ है, वहां पे एक ही चैप्टर हुआ था और हम यहां पे 6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वहां से कॉपी क्लेम कर रहे हैं। मैंने पूछा तो बच्चे ने बोला था, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी बोलता है, जो बच्चा बोलता है वो अगर मैं आके बोल दूं ना तो अंदर वाले बाहर वाले सब चले जाएंगे। जो बच्चा बोलता है ना वो आके अगर मैं बोल दूं ना तो अंदर वाले और बाहर वाले सब चले जाएंगे एक तरफ से, अंदर बाहर सब बराबर हो जाएगा जो बच्चा बोलता है। और बच्चा बोलता है तो वेरीफाई कर लेते, बच्चा बोलता है तो वेरीफाई कर लेते। और अब तो मुझे दिखाओ एक सवाल जो आपने कराया होगा और कहीं नहीं हुआ होगा, एक सवाल जो आपने कराया होगा और कहीं नहीं हुआ होगा, तो मैं YouTube पे आके सॉरी बोलूंगा, बाकी तो आपकी मर्जी। बाकी कुछ नहीं बोला मैंने, आप सॉरी बोलो, मैंने नहीं बोला, मैं सॉरी बोलूंगा। यार मजाक है क्या? रात रात भर जग के नए सवाल लिखते हैं, और कितने नए सवाल लिखे हैं वो आप अगर क्लास कर रहे हो पहली क्लास से लेकर के अभी तक, पहली क्लास से लेकर अभी तक अगर आप क्लास किया है तो 50% से ज्यादा सवाल नए लिखे हैं भाई। आपको PYQ लग रहा था याद करिए, लेकिन वो PYQ नहीं है, बदले हैं उसको, लैंग्वेज चेंज किया है, अलग चीज पूछी थी मैंने, कुछ अलग चीज पूछी है भाई। मेहनत किया, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो मैंने भी यही बोला कि मैं सॉरी बोलूंगा, अरे मैं बोलूंगा YouTube पे आके, मैं सॉरी बोलूंगा अगर एक सवाल बता दोगे तो। यार ऐसे कैसे कॉपी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई यार, कम से कम देख तो लेते। चलो खैर छोड़ो, टाइम लग बेकार फालतू खराब नहीं करते। आई सुनिएगा ध्यान से बेटा, मैंने आपको एक लूप का क्या कंसेप्ट बताया है? एक लूप का कंसेप्ट ये बताया है कि हम यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां जाएंगे और बैटरी बैटरी को सिर्फ देखेंगे। तो बैटरी बैटरी को अगर तुम देखो, बैटरी बैटरी को देखो तो यहां से अगर यहां आए तो -2 वोल्ट और यहां से यहां गए तो +10 वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ क्या आएगा लूप में? 8। हाँ कि ना बोल। देखना बेटा, यहां से यहां जाएगा तो -2 कम हुआ ना, इसके कंपेयर में -2 हो गया और -2 में 10 जोड़ोगे तो 8 हो गया। अगर तुम यहां 0 वोल्ट मानते हो तो यहां पे 8 वोल्ट आएगा। हाँ तो ईएमएफ सर 8 आ गया बटा 12, 10, 22 और 2, 24 ओम। 8 × 3 = 24 1/3 एम्पियर करंट। करंट किधर से बहेगा? तो बड़े बैटरी के हर टर्मिनल से करंट ऐसे जाएगा, क्योंकि यही जीतेगा ना, बड़ा बैटरी ऐसे करंट बहेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करंट। अब देखो बड़े बैटरी की हो रही बेटा डिस्चार्जिंग, इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा उसको एक्स बोला है और वो होगा 10 − 1/3 × 2 V − IR। और वाई जो होगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो होगा 2 + 1/3 × 10 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है ये आएगा। अब x प्लस
वाई बोला, इन दोनों को ऐड करने बोला है। तो चलिए एक्स प्लस वाई ऐड करते हैं। एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे तो 10 माइनस 2 बटा 3 प्लस 2 प्लस 10 बटा 3। यहां से 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम लेंगे तो 10 दिया 30 माइनस 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 11 एम्पियर बटा 3। ये जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू मैंने रख दी। तो 30 माइनस 30 और 10 40, 30 10 40 40 ये 46, 46 में जाएगा 44 बटा 3 इज इक्वल टू 11 ए बटा 3, 3 से 3 कटेगा ये 4, ए की वैल्यू 4 आ रही, ए की वैल्यू क्या आ रही, 4 आ रही। अब भाई साहब इसमें कैलकुलेशन ही नहीं घुमाया है, बहुत सारी चीजें घुमाई है, बहुत सारी चीजें क्या घुमाई है। तो पहला स्टेप तो ये कि क्लोज लूप में करंट निकालने आना चाहिए पहले, वो करंट आपने निकाला। उसके बाद आपको दिखना चाहिए कि करंट 10 वोल्ट से बहेगा ऐसे तो इसकी होगी डिस्चार्जिंग, और करंट इसके बड़े टर्मिनल से घुसेगा तो इसकी होगी चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल ये, चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल ये, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। अब बताओ कैसा महसूस हो, कैसा महसूस हुआ बताओ, कैसा लगा सवाल, हर चीज रिवाइज हो गया कि नहीं रिवाइज हो गया बताओ। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में देखिए ये रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये बैटरी का एमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का एमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी, एक सीधा लाइन है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो सब में तो करंट सेम जाएगा। हाँ, तो सारे रेसिस्टेंस को आप सीरीज में बोल सकते हो, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ये हो जाएगा। और सेम साइड से अगर बैटरी का पोटेंशियल है, जैसे लोअर हायर लोअर हायर लोअर हायर, सेम फैशन में कनेक्टेड है, सेम तरीके से कनेक्टेड है, तो सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। इफ देयर आर एन आइडेंटिकल बैटरी, अगर एन आइडेंटिकल बैटरी है तो ईएमएफ हो जाएगा एनी इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा एनआर। एन आइडेंटिकल बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सीरीज आउट ऑफ विच एम आर रिवर्स रिवर्सली कनेक्टेड, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा एन माइनस टू एम इंटू ई, और आर नेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस उल्टा जोड़ो सीधा जोड़ो यही रहेगा। क्लियर है क्या ये बात? हाँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों बैटरी ले, तो x और y के बीच में दो बैटरी हटा के अगर मैं एक बैटरी लगाऊं तो उसका ईएमएफ क्या होगा, वही कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, उसी फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला सेम रह जाता है, E1 by R1, E2 by R2, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल इधर, इसकी भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो E1 by R1, E2 by R2, 1 upon R1 plus 1 upon R2, R equivalent, 1 upon R equivalent, क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्टेड, तो 1 upon R equivalent ऐसे निकालेंगे। अगर ये आइडेंटिकल बैटरी हुई तो E by R, 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 sorry, 1 by R, 1 by R, 1 by R होगा। तो यहां से जब सारे आइडेंटिकल बैटरी होंगे तो N times E by R, और यहां पे होगा सिंपल 1 by R, R से R कट जाएगा, N by R से N by R कट जाएगा, सिंपल EMF क्या आ जाएगा E। अगर आइडेंटिकल बैटरी को 10 बार पैरेलल जोड़ दो तो नेट EMF एक बैटरी के बराबर ही रहता है। हाँ, रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका R by N, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R by N। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या हो गया, मिक्स्ड ग्रुपिंग ये हो गया कि मान लो कि ये बहुत सारे बैटरी है, N बैटरी है, और इस N बैटरी को हमने सीरीज में जोड़ा, तो सब हटा के क्या मैं बोल सकता हूं N E comma NR? हाँ सर बोल सकते हो। अब ऐसे ऐसे मैंने M बार जोड़ दिए बेटा, कितनी बार जोड़ दी, M बार जोड़ दी, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ के जितनी ईएमएफ आपकी आ गई, अब पैरेलली अब जितनी बार भी जोड़ दो आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन पैरेलल में कितनी बार भी जोड़ दो, क्या इसका जो नेट ईएमएफ पैरेलल जोड़ के आएगा वो एन ई रहेगा? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एन बार मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो ईएमएफ एन ई हो गया। अब ऐसे ऐसे मैं कितनी बार भी पैरेलल जोड़ दूं, 10 बार 20 बार 40 बार एम बार जोड़ दूं, नेट ईएमएफ एन ई ही रहेगा। नेट ईएमएफ क्या रहेगा, एन ई ही रहेगा। क्लियर है क्या, नेट ईएमएफ क्या रहेगा, एन ई ही रहेगा। अब आर नेट क्या हो जाएगा, तो ये तो एनआर था, एनआर को एम बार जोड़ा है, तो एनआर भाई ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या ये? हाँ। अगर मैं अब इसको एक कैपिटल आर के रेसिस्टेंस से यहां पे जोड़ देता हूं तो इसमें करंट कितना जाएगा, तो करंट जाएगा बेटा ईएमएफ एनी बटा कैपिटल आर और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर भाई। यहां से एम एलसीएम लोगे तो एम एलसीएम लोगे तो एम ऊपर चला जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाई एम कैपिटल आर एन आर स्मॉल आर, यही आएगा आंसर। देखो कहीं होगा, ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है, सर्किट में चलना इंपॉर्टेंट है, सर्किट में चलना आप जानते हो कि कैसे कैसे सर्किट में चलते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, पढ़ लेना। सवाल देखो नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल वेदर कनेक्टेड इन अ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ टू, वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल विल बी। देख
कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल, दो आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन है, उसको मैंने सीरीज में जोड़ा और पैरेलल जोड़ा, और फिर एक्सटर्नल लोड में मैंने करंट फ्लो कराया, तो दोनों केस में करंट सेम फ्लो किया, दोनों केस में करंट सेम फ्लो किया, तो इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बताओ। क्या पूछा? इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बताओ। आओ करते हैं, आओ करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल वेदर कनेक्टेड इन अ सीरीज और पैरेलल। अब मान लो कि इंटरनल रेसिस्टेंस इज स्मॉल आर, ई एम एफ ई है, ER, ER, सीरीज में जोड़ा दो ओम के साथ, तो ऐसे तो सीरीज में जोड़ोगे दो ओम के साथ, जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा, तो करंट बहेगा 2E, दोनों में सीरीज में ई ई एम एफ ई 2E बटा 2 प्लस 2R, हाँ कि ना? तो सही है। अब इसी दो सेल को हमने पैरेलल जोड़ दिया, इसी दो सेल को हमने क्या किया, पैरेलल जोड़ दिया, इसी दो सेल को हमने पैरेलल जोड़ दिया, यह आपका ई आर, ई आर और ये दो ओम है। अब यहां पे कितना करंट जाएगा साहब बताइए, यहां पे करंट जाएगा, यहां पे जो करंट जाएगा वो कितना करंट जाएगा, ई ई पैरेलल में जोड़ोगे तो ई ही रहेगा, हाँ ये आर आर पैरेलल में आर बाई टू प्लस टू, अब इसको उसके साथ बराबर कर दो क्योंकि दोनों करंट सेम गया है, हाँ तो ई बटा स्मॉल आर बाई टू प्लस टू इज इक्वल टू टू ई बटा टू प्लस टू आर। अब हमें क्या करना है, ये ई से ये ई कटेगा, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां लाइए, तो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल आर प्लस 4 बचेगा, इस आर को इधर ले आओ, 2R माइनस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो R बराबर 2 ओम आंसर आ रहा, क्या ऐसा ही कुछ है, तो क्यों आ रहा है यार, ए आंसर आ रहा है 2। एक मिनट रुकना, बताना क्या था ये सवाल, कभी 4 नहीं आ रहा यार, बी कहाँ आ रहा है, मेरे हिसाब से तो कहाँ से बी आया है, मेरा तो ए आ रहा है, तुम सबका बी आया है, बी फॉर बिल्ली, बी फॉर बकलोल, इसलिए इसलिए सिलेक्शन कम लोगों का होता है, समझ गए मैं, इसलिए सिलेक्शन कम लोगों का होता है। चल छोर वो बता, सवाल कभी देखा था कहीं देखा है सवाल ऐसा, अच्छा सवाल है, मैंने क्लास में भी नहीं कराया था, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। देख, फाइव सेल इच ऑफ ईएमएफई, फाइव सेल इच ऑफ ईएमएफई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, इफ ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब गलती से वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, यानी कोवेलेंट ईएमएफएस, तो फाइव सेल है, एक सेल उल्टा जोड़ देगा तो 3E आंसर आएगा, एक सेल उल्टा जोड़ेगा तो 5 माइनस 2 इंटू 1 3 आएगा आंसर मेरे हिसाब से, फिर मैं देख लेता हूं, हाँ सी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एन आइडेंटिकल सेल ER, एन आइडेंटिकल सेल ER कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड दिस अरेंजमेंट इन M टाइम्स पैरेलल, ठीक है, करंट आई थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R विल बी मैक्सिमम वैल्यू, आ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली सवाल है, चलो ध्यान से देखो, एन आइडेंटिकल सेल ई कॉमा आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड दिस अरेंजमेंट इन M टाइम्स पैरेलल, करंट आई थ्रू द लोड कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम व्हेन, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लोड के बराबर आ जाए, तो ER को जब आपने जोड़ा एन टाइम सीरीज में तो इंटरनल रेजिस्टेंस NR हुआ, पैरेलल जोड़ा तो M हुआ, ये कैपिटल R के बराबर आ जाए, ये होना चाहिए कैपिटल R NR बाई M, ए आंसर आएगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम यही कहता है क्या, ए आंसर है भाई, ये थोड़ी ना होगा, एक बैटरी थोड़ी ना, बहुत सारी बैटरी है, बहुत सारी बैटरी है, और मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है कि सेल के कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। चलिए पावर के कंसेप्ट को समझते हैं, पावर बेटा पी बराबर आई वी, पावर पी बराबर क्या होता है आई वी, यहां से अगर करंट हमें पता है तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लिखेंगे, अगर हमें वोल्टेज पता है तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है जब वी सेम हो, सीरीज में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, अगर किसी चीज को गर्म करने में काम आ रहा है तो एम एस डेल्टा टी लिख सकते हैं, जहां पे एम स्पेसिफिक हीट है, वेरिएबल करंट है तो हीट को लिख सकते हैं आर आई स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है आई स्क्वायर इंटू डी टी। एक चीज समझिएगा, यहां पे मैंने ये सवाल कराया हुआ है, बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर वन है,
ये बैटरी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अगर इसमें पावर ड्रॉप और इसमें पावर ड्रॉप सेम हो रहा है तो कैसे निकालोगे? करंट निकाल लो, ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस से करंट निकाल लो, करंट के बाद इसमें पावर लिखो, यहां पे करंट निकाल लो फिर पावर लिखो। अगर दोनों का पावर सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर रूट अंडर आर वन आर टू आएगा, ठीक है? क्या आएगा? स्मॉल आर बराबर रूट अंडर आर वन आर टू, वो कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम पावर थ्योरम यही है। मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या होता है कि ये अगर आपका सेल है और ये कैपिटल आर आपकी क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसमें जो पावर ड्रॉप होगा इसमें करंट कैसे निकालोगे? सर करंट तो बहुत ईजी है, करंट बराबर होगा ये बैटरी का ईएमएफ बटा ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट आर। अब इस करंट से इसमें पावर लिख लो। अब इसका पावर कैपिटल आर के साथ अगर देखोगे तो छोटे रेजिस्टेंस पे पावर कम होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे पावर बढ़ेगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे पावर क्या होता है, घटता है। पावर मैक्सिमम कब होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम और उसका ग्राफ आपको याद रखना है। बल्ब क्या होता है? तो बल्ब इज नथिंग बट बी, बल्ब इज नथिंग बट प्योर रेसिस्टेंस। बल्ब को आपको प्योर रेसिस्टेंस मान के ही चलना है। क्या मान के चलना है? बल्ब को प्योर रेसिस्टेंस मान के ही चलना है, प्योर रेसिस्टेंस एज्यूम करके ही चलना है। सर लेकिन बल्ब जब हमें मिलता है, बल्ब अब जब हमें मिलता है या खरीद के हम लाते हैं, तो सर उसमें लिखा होता है उसका पावर और वोल्टेज, पावर और वोल्टेज, पी आर और वी आर। ये पी आर और वी आर फिजिकली ये बताता है कि इतने वोल्टेज में इतना पावर ड्रॉप होगा और ये मैक्सिमम पावर ड्रॉप हो सकता है। अगर इससे कम वोल्टेज सप्लाई करोगे तो कम पावर ड्रॉप होगा, और इससे ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे तो ये फूट जाएगा, ये मैक्सिमम लिमिट होता है। ये रेटेड वोल्टेज का मतलब होता है, रेटेड वोल्टेज का मतलब होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो टॉलरेट कर सकता है, और ये मैक्सिमम पावर ड्रॉप है जो हो सकता है। मैक्सिमम पावर ड्रॉप ये मैक्सिमम पावर ड्रॉप है जो यहां पे हो सकता है, मैक्सिमम पावर ड्रॉप जो हो सकता है। अगर इससे कम वोल्टेज दोगे कम पावर आएगा, ज्यादा वोल्टेज दोगे ज्यादा पावर आएगा, याद रखने वाली बात है। फिजिकली ये बताता है, न्यूमेरिकली क्या बताता है कि रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बराबर होगा रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड, ये आएगा। सर समझ गया। अगर मान लो कहीं भी मैंने पावर कंज्यूम निकालना है, पावर कंज्यूम क्या होगा? वोल्टेज सप्लाई, सप्लाई करेंगे उसी के क्रॉसिंग पावर कंज्यूम होगा बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। वोल्टेज सप्लाई रहने तो बटा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को क्या लिख सकते हैं? वी रेटेड का होल स्क्वायर इंटू पी रेटेड, ये होगा क्या? हाँ। तो कंज्यूम पावर बराबर होता है रेटेड पावर सप्लाई वोल्टेज बटा रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया भाई, ड्राइव कर दिया कि आपके दिमाग में रहे। कंज्यूम पावर बराबर रेटेड पावर वी सप्लाई बटा वी रेटेड का होल स्क्वायर। अगर रेटेड सप्लाई बराबर है तो कंज्यूम बराबर रेटेड पावर होगा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? क्या इस पे सवाल पूछेंगे? बहुत सारे। देखिए, टू बल्ब ऑफ पावर 60 वाट एंड 110 वोल्ट, 100 वाट एंड 110 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, विच बल्ब ऑफ सप्लाई 220 वोल्ट, देन 220 वोल्ट से सप्लाई किया तो क्या होगा? अच्छा, तो एक बल्ब है बेटा 60 वोल्ट एंड 110 वोल्ट का, समझ गया। दूसरा बल्ब है 100 वोल्ट एंड 110 वोल्ट का। अगर मैं 110 वोल्ट की ही सप्लाई देता ना, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप जो होता का सम 110 के बराबर होता, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का पोटेंशियल 110 से कम ही रहता, तो दोनों तुम्हारा बल्ब सेफ रहता। लेकिन सप्लाई हमने 220 वोल्ट का दिया है, तो हम कहेंगे V1 प्लस V2 बराबर 220। V1 प्लस V2 दोनों का पोटेंशियल का सम 220 के बराबर होगा। ओके। और जिसका पावर ज्यादा होता है ना उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो अगर ये R1 है ये R2 है तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? तो रेजिस्टेंस यहां पे देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है। पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा? R1 ज्यादा है, और ज्यादा रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल ज्यादा, तो ये V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा। मान लो V1 ज्यादा है और V2 कम है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो दोनों 110 होता। अब V1 ज्यादा है तो 110 से ज्यादा, ये 110 से कम, और 110 से ज्यादा मतलब ये फ्यूज कर जाएगा। कौन कर जाएगा फ्यूज? पहला बल्ब फ्यूज कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया? 60 वोल्ट बल्ब विल फ्यूज, 60 वोल्ट बल्ब विल फ्यूज, 60 वोल्ट बल्ब विल फ्यूज, 60 वोल्ट बल्ब विल फ्यूज। By what percentage will the illumination of the lamp decreases if the current decreases by 20%? अब सुनना ध्यान से। Power consume ही brightness बताता है, और current दिया हो तो I square RT लिखेंगे।
अब करंट को क्या किया कि 20% कम कर दिया, तो फाइनल करंट जो होगा आई माइनस 20% ऑफ आई कम कर दिया, मतलब 80% ऑफ आई बचेगा, 80% ऑफ आई मतलब 80/100 ऑफ आई। तो फाइनल पावर बराबर फाइनल करंट का होल स्क्वायर, फाइनल करंट आपका 80/100 मतलब 8/10 मतलब 64/100 ऑफ आई स्क्वायर, 64/100 मतलब 64% ब्राइटनेस हो जाएगी। तो करंट व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैंप डिक्रीजेस, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो ये हो जाएगा 64%, तो डिक्रीज कितना करेगा 36%। बेटा डिक्रीजेस कितने से होगा, डिक्रीजेस बात पूछा है, तो मैंने क्या किया कि इनिशियली करंट आई था तो पावर इतना होगा, फाइनली करंट इतना तो पावर इतना है, तो कितना हो जाएगा नहीं पूछा, डिक्रीज कितना किया, तो ये इतना है 64% है, तो 36% डिक्रीज क्या होगा, आंसर बी आना चाहिए, बी है। कर लेंगे क्या ऐसे सवाल, समझ सकते हैं क्या ऐसे सवाल। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वोल्ट एट 110 वोल्ट यूज इन अ सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट रेसिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज विद बल्ब सो दैट पावर डिलीवर्ड बाय द बल्ब इज 500 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक बल्ब है 500 वोल्ट का, ठीक है, 100 वोल्ट, तो 500 वोल्ट एंड 100 वोल्ट यूज इन अ सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद सो दैट पावर डिलीवर्ड इज 500 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई 200 वोल्ट है। अब सुनो, सप्लाई 200 वोल्ट है, हाँ सर सप्लाई 200 वोल्ट है, और ये मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता है 100, सप्लाई 200 है तो यहाँ 100 जाएगा। अच्छा समझ गया, हो गया काम खत्म, ये 100 ये 100 ये 200, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट होगा ना वो कितना होगा, पी बाई वी करंट होगा, पी बराबर आई वी, तो पी बाई वी, पी है तुम्हारा 500/100, तो 5 एम्पियर का करंट जाएगा, तो करंट जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें करंट 5 एम्पियर का जाएगा। तो हम जानते हैं वी बराबर आई है, वी है 100, आई है 5 आर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 ओम, आर बराबर 20 ओम, आर बराबर 20 ओम, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आई ये चीज। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, बल्ब को जब आप सीरीज में लगाते हो तो इतना याद रखिएगा कि आप रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हो, तो आपने यहां पे एक रेसिस्टेंस लगाया है, ये रेसिस्टेंस लगाया है, ये रेसिस्टेंस लगा, ठीक है। अब इसमें जो P1 है वो इसका रेटेड पावर है, इतना पावर ये कंज्यूम करेगा ये जरूरी नहीं है, सिर्फ कितना करेगा, तो जितना इसमें वोल्टेज सप्लाई आएगा, सप्लाई कितना आएगा, टोटल सप्लाई वी है, लेकिन इस वी टोटल सप्लाई में से यहां पे सप्लाई कितना जाएगा, तो वी नहीं जाएगा नहीं, ये तो रेटेड वोल्टेज है, अगर टोटल V दिया है तो यहाँ पे कुछ V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V1, V2, V3 का सम V के बराबर है, सर यहाँ पे सप्लाई कम मिल रहा है, सप्लाई कम मिल रहा है तो पावर ड्रॉप कम होगा। अच्छा एक चीज देखना बेटा, एकदम तुम्हें एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिखाता हूँ आज, तुम्हें सारा कंसेप्ट को उल्टा पुल्टा करके दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। मान लिया बैटरी है और बैटरी मैंने 3V का लगाया, अच्छा यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, वी रेटेड पावर P1, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, वी रेटेड पावर P, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, वी रेटेड पावर P3। अब टोटल पावर कंज्यूम कितना होगा, एक मिनट सबकी पावर P ले देता हूं मैं, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सबकी पावर P ले देता हूं एक बार, सबकी पावर मैंने P ले ली, सबकी पावर यहां पे क्या ले ली, P P और P और कितनी है, P P P P और ये 3V का बैटरी है, सबका पावर सेम रेटेड वाला, तो सबकी रेसिस्टेंस सेम, सबकी रेसिस्टेंस सेम, सबकी रेसिस्टेंस सेम, तो सब में करंट पोटेंशियल ड्रॉप सेम, हाँ सब में पोटेंशियल ड्रॉप वी 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 जाएगा, तो यहाँ पे पावर कंज्यूम पी पी पी, तो टोटल पावर 3P आ जाएगा, टोटल पावर क्या आ जाएगा 3P। मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूँ, अगर 3V का बैटरी है और यहाँ पे पावर पी वोल्टेज भी, पावर पी वोल्टेज भी, पावर पी वोल्टेज भी, तो टोटल पावर कंज्यूम कितना आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से पावर कंज्यूम निकालते नहीं, यहां पे इस सिचुएशन में जो पावर कंज्यूम आएगा, पावर कंज्यूम आएगा वो 3P आएगा, बोलो समझ आया कि नहीं। सर लेकिन सीरीज में तो ऐसे वैसे डैश डैट करके जोड़ता है, डैश कुछ नहीं जोड़ता, 3P आएगा, बोल सर कैसे 3P आ जाएगा। सुनो पावर स्केलर होता है, जितना ड्रॉप हुआ होगा कंज्यूम हुआ होगा हम सिंपल ऐड करेंगे, अगर 3 वोल्टेज वी वोल्टेज दिया तो यहां पे ड्रॉप भी जाएगा, यहाँ भी ड्रॉप भी जाएगा, ड्रॉप भी जाएगा, आइडेंटिकल है, तीनों सेम वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, वी 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 3V यहाँ पे 3V के बराबर आएगा, ठीक है। जितनी पावर ड्रॉप हुई उतनी रेटेड थी, कंज्यूम पावर पी, कंज्यूम पावर पी, कंज्यूम पावर पी, टोटल पावर पी, थ्री पी आए।
गजब। लेकिन अगर मैंने वोल्टेज भी ही दिया है, इसका पावर P1 है, P2 है, P3 है, रेटेड पावर, तो कंज्यूम पावर क्या होगा, कंज्यूम पावर ऐसे लिखेंगे 1 अपन कंज्यूम पावर 1 अपन P1 1 अपन P2 1 अपन P3, क्योंकि रेटेड वोल्टेज यहां पे V नहीं जाएगा, कम जाए। सर मान लो ये V है और ये PPP होता, तो अगर ये V है और ये PPPPP होता और इसे सिर्फ V है, तो ड्रॉप यहां पे V/3 जाता, तो पावर कंज्यूम तुम्हारा P/3 आता। पावर कंज्यूम कितना आता? P/3 आता। तो एक्चुअल में जो पावर कंज्यूम होता है वो यहां पे P1 के बराबर कब होगा? जब रेटेड वोल्टेज भी होगी और उतने ही यहां पे सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, जितना रेटेड वोल्टेज उतना ही सप्लाई हो जाएगा, तभी उतना ही पावर कंज्यूम होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए एक बार, तो ठीक है। नहीं तो आप ऐसे देखेंगे, नहीं तो कैसे देखेंगे, एक बैटरी भी है, ठीक है, बैटरी है वी वोल्ट का, यहां पे P1 P2 P3 है, तो सब में करंट तुम्हारा क्या जाएगा? सर सेम जाएगा। तो पावर कंज्यूम आप लिखोगे I² × रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, हर बल्ब में कंज्यूम पावर ऐसी तो निकालोगे I²R, हाँ, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को क्या लिखते हैं? वी रेटेड का होल स्क्वायर बटा पी रेटेड, यही तो लिखते हैं, हाँ। तो जो कंज्यूम पावर होगा वो रेटेड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें रेटेड पावर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम चमकेगा। सीधा सीधा ये रिलेशन देख ले, क्लियर है? यहाँ पे लिखा, देखो, कंज्यूम पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, और बल्ब की रेसिस्टेंस में रेटेड पावर नीचे आता है, खत्म। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जैसे मान लो रेटेड वोल्टेज वी 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 लिखा और सप्लाई वी है, तो वोल्टेज तो सब में सेम आएगा, इसलिए पावर कंज्यूम देखो सिंपल ऐड हो जाता है। इसलिए पावर कंज्यूम क्या होता है? सिंपल ऐड हो जाता है। और इसमें पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो वी के टर्म्स में लिखेंगे, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा वी स्क्वायर बटा, तो पी रेटेड ऊपर, तो कंज्यूम पावर उतनी होगा जितनी ज्यादा पी रेटेड होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब ये नया सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है। ए बी सी डी ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर शोन इन द फिगर, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इज। तो ये तुम्हें होमवर्क देता हूं, स्लाइड नंबर 71 अच्छे से करना, स्लाइड 71 होमवर्क देता हूं अच्छे से करना, 5-10 होमवर्क तो होने चाहिए ना भाई। चलो नेक्स्ट देखो, टू आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल देन इन सीरीज एट द सेम अप्लाइड वोल्टेज, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सेम टाइम फॉर द पैरेलल एंड सीरीज विल बी, पैरेलल एंड सीरीज में हीट प्रोड्यूस का रेशियो दे पूछा है। टू आइडेंटिकल हीटर मतलब एक का रेजिस्टेंस आर है तो दूसरे का भी आर होगा, कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल, तो मान लो तूने आर आर पैरेलल को जोड़ा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी? R/2, एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा R/2, ये पहले केस में आ गया, और जब सीरीज में जोड़ोगे तो एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2R, ये दूसरा केस हो गया, हाँ। पैरेलल बटा सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हीट ड्रॉप का रेशियो पूछा है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर कट जाएगा हाफ, ऊपर चला जाएगा 4:2 आंसर आना चाहिए। फर्स्ट आएगा क्या देखो एक बार, ए बिल्कुल फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, कि पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेसिस्टर इन सर्किट इज 36 वोट, तो 9 ओम में 36 वोट है, यहां पे 9 ओम में 36 वोट, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंसेस, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा ये पूछा है, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सुनना ध्यान से, अगर मुझे यहां पे पावर पता है, रेसिस्टेंस पता, तो वोल्टेज निकाल लूंगा क्या? तो निकाल सकते हो, तो वोल्टेज निकाल ले, वोल्टेज निकाल ले, क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू पी होता है, तो वी स्क्वायर बराबर पी 36 मल्टीप्लाई 9, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो रूट हो जाएगा, रूट 36 9, रूट 36 6 × 3 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है 18 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सर यहाँ भी 18 वोल्ट होगा, 18 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट कितनी जाएगी? 3 एम्पियर, 18 वोल्ट के यहाँ पे कितनी आएगी? 2 एम्पियर, तो 2 और 3 टोटल 5 एम्पियर करंट आएगा, तो वोल्टेज बराबर होगा 5 × 2 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आंसर आएगा, देखना जरा सी आंसर आ रहा 10 वोल्ट। सवाल कैसे अटेम्प्ट किया है समझ आया तुम्हें? सवाल सॉल्व कैसे किया, अटेम्प्ट कैसे किया समझ आया तुम्हें? PYQ नहीं है, PYQ जैसा तुम्हें दिख रहा है लेकिन है नहीं बेटा, हर्ष चौबे कह रहे PYQ ना, लगता है पिछली क्लास तुमने करी नहीं है, नया आया है। चलो देख देखिए, पावर डिसिपेटेड इन 8 ओम रेसिस्टर इन सर्किट इज 2 वोट, 8 ओम रेसिस्टर में 2 वोट, देन पावर डिसिपेटेड इन वोट अक्रॉस 3 ओम, यहां पे पावर तुम्हारा 2 वोट है, तो 3 ओम में पावर कितना जाएगा ये पूछा, क्या करोगे?
सर कैसे करें, ऐसे करें करंट निकालें, इसमें इसमें करंट निकालते हैं। यहाँ पे करंट तेरा क्या हो जाएगा, पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, तो पी है तेरा दो, आई स्क्वायर इंटू एट, तो ये कट क्या हो जाएगा फोर, तो आई बराबर हो गया हाफ एम्पियर। अब सुन, इस पॉइंट और इस पॉइंट में आठ ओम है और यहाँ पे तीन और एक चार है, आठ ओम में करंट अगर हाफ एम्पियर जा रहा है तो रेजिस्टेंस डबल हुआ तो करंट डबल हो, रेजिस्टेंस क्या हुआ आधा, आठ के कंपेयर में ये आधा हो गया चार, तो करंट डबल जाएगा मतलब एक एम्पियर जाएगा, करंट एक एम्पियर, तो यहाँ पे पावर निकाल दे पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो एक का होल स्क्वायर इंटू तीन, थ्री वॉट अपर आंसर जाएगा। क्लियर है क्या? ये देखो, इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बॉयल 1 केजी ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका होमवर्क है, स्लाइड 75, ये भी होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क स्लाइड 76, स्लाइड 76 ये भी होमवर्क है, स्लाइड 77, ये तीन चार होमवर्क है जो आपको करना है। अब हम थोड़ा गैल्वेनोमीटर और एमीटर आपको समझा देते हैं, ठीक है, क्लास का टाइम हो गया, सॉरी खत्म करते हैं, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर समझा देते हैं थोड़ा सा। तो देखो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, करंट को डिटेक्ट करता है। अब करंट को डिटेक्ट करता है तो वो एरर ज्यादा देता है, तो हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर मान लीजिए जिसकी रेजिस्टेंस जी है, उसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं एस, और उसको हम एमीटर बना देते हैं। मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो करने की क्षमता है आई जी, और अभी करंट है आई, तो आई में से आई जी इसमें चली जाएगी, तो आई माइनस आई जी इसमें जाएगी, तो ये तुम्हारा टोटल हो गया मीटर, इसको पूरा मिला के हम बोलते हैं एमीटर। तो रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इंटू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। मान लो पहले आई जी करंट मेजर कर रहा था, अब वो क्या मेजर कर ले रहा है, आई मेजर कर ले रहा है, अगर आई के कंपेयर में आई जी एन गुना ज्यादा है तो संट की जो जरूरत होती है जी बटा एन माइनस वन होता है। कितनी संट लगाते हैं, जी बटा एन माइनस वन हम संट लगाते हैं। अगर वोल्ट मीटर बनाना हो तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस हम नेग्लेजेबल जीरो लेते हैं, है ना, और कुछ प्रैक्टिकल एमीटर है तो छोटा रेसिस्टेंस होगा। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन सर्किट, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं जहां पे वोल्टेज मेजर करना होता है। लार्ज रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ते हैं। मान लो पहले इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था कुछ वीजी, और अब ये दोनों मिला के पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा है वी, अगर एन गुना क्षमता बढ़ गई तो ये लार्ज रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जी इंटू एन माइनस वन, कितनी होगी जी इंटू एन माइनस वन। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, बिहेव एज अ ओपन वायर, कैसा बिहेव करता है, ओपन वायर जैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, ओपन वायर जैसा बिहेव करता है। एक सवाल करते हैं, एसर्शन रीजन, बढ़िया सवाल है, एक बार समझिए। फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस ऑफ 600 ओम द वोल्ट मीटर विथ रेसिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रिफर्ड ओवर द वोल्ट मीटर विथ रेसिस्टेंस 4000 ओम। नो, रॉन्ग रॉन्ग, पर इसी से तुम्हें समझ आ जाएगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा वोल्ट मीटर क्या होता है। क्या? फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस ऑफ 600 ओम, 600 ओम में पोटेंशियल मेजर करना है, द वोल्ट मीटर विथ रेसिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रिफर्ड ओवर द वोल्ट मीटर विथ रेसिस्टेंस 4000 ओम। नो, किसको प्रिफर करोगे, वोल्ट मीटर वो अच्छा होता है जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, तो हम 4000 को प्रिफर करेंगे, 1000 को प्रिफर नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर विथ हायर रेसिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट, हाँ वोल्ट मीटर अगर हायर रेसिस्टेंस का होगा तो छोटा करंट लेके जाएगा क्योंकि पैरेलल में जोड़ते हैं, देन द वोल्ट मीटर विथ लोअर रेसिस्टेंस, ये सही है। तो A is false, R is true, थोड़ा फील आया और ज्यादा आएगा क्या, ध्यान से देखो, बढ़िया सवाल लिखा, ठीक है ना, देखो ध्यान से। फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर बनाना है जो 50 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, एंड एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, एमीटर की रेंज 10 एम्पियर, यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर व्हिच हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस 54 ओम, गैल्वेनोमीटर जिसकी कॉइल रेजिस्टेंस 24 ओम है, 50 ओम है, थ्रोइंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ 1 मिली एम्पियर एज इन अ फिगर। तो देखो 1 मिली एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा और हमें मेजर करना है 50 वोल्ट, तो अगर 50 वोल्ट मेजर करना है तो हम क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस जोड़ देंगे पैरेलल में, ठीक है, रेसिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़ देंगे। तो अगर ये 50 वोल्ट मेजर कर रहा है, 50 वोल्ट मेजर कर रहा है,
आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखो पहले करंट इसमें एक मिली एम्पियर जा रहा था और अभी भी करंट एक मिली एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि एक मिली एम्पियर जाएगा, एक मिली एम्पियर इसलिए करंट जाएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा करंट लेगा तो बर्न हो जाएगा, और आपने सीरीज में जोड़ा है, रास्ता तो दूसरा दिया नहीं, इसलिए करंट अभी भी एक मिली एम्पियर जाएगा। एक मिली एम्पियर में से इसका 54 मिली वोल्ट हो जाएगा, वी बराबर आई आर, ये आई और ये आर 54 मिली वोल्ट, और ये तुम्हारा हो जाएगा वी बराबर 1 मिली एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस, मतलब 1 मिली वोल्ट एम आर इंटू वोल्ट, ये है 50, 50 बराबर 10^-3 इंटू आर, तो आर बराबर हो जाएगा 50, और 50 वोल्ट चाहिए तो 50 10^-3 को उधर ले जाओगे 10^3 ओम, तो आर बराबर हो गया 50 किलो ओम, तो लगभग लगभग आपको 50 किलो ओम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 50 वोल्ट में से मान लो ये 50 वोल्ट तुम्हें टोटल चाहिए, तो ये 50 वोल्ट और ये 54 मिली वोल्ट, सॉरी मिली वोल्ट, तो ये मिली वोल्ट बहुत कम है, मिली वोल्ट जो पोटेंशियल ड्रॉप है बहुत कम है, 50 वोल्ट में 50 मिली वोल्ट जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहां से यहां तक 50 वोल्ट आना चाहिए, करंट इतना है 50 वोल्ट आना चाहिए, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू 50 किलो ओम आएगी। पहला मुझे सही लग रहा। दूसरा ये रेसिस्टेंस कितनी हो जाए कि इसकी कैपेसिटी 10 मिली एम्पियर आ जाए, तो पहले 1 मिली एम्पियर था, दोनों मिला के 10 मिली एम्पियर मेजर कर ले, तो कैपेसिटी कितनी गुनी हो गई, 10 गुना, तो जो स्मॉल आर संट की वैल्यू होती है गैल्वेनोमीटर 54/(n-1) 54/(10-1) तो ये हो जाएगा 9, 54/9 9×6=54 6 ओम आएगा, 6 ओम कहीं है भैया, 6 ओम फॉर मीटर 6 ओम, ये सही है, ये 0.2 ओम गलत है, ये मैंने प्रूव कर लिया। 5 किलो ओम लगाओगे बेटा, यहाँ पे 5 किलो ओम लगाओगे टोटल पोटेंशियल 50 वोल्ट आ ही नहीं पाएगा, 500 ओम से भी नहीं आ पाएगा, तो ए एंड सी आपका सही आंसर है। हिला देगा ये सवाल, पहला आंसर सही है ए, ठीक है, तो सभी लोगों का जवाब बी आया है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, ए सही आंसर। समझो इसको ढंग से, इन एन एमीटर, ध्यान से देखना, इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज एक्स देन रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बी, बहुत सुंदर सवाल है, मजा आ जाएगा। इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट, तो मेन करंट तुम्हारा आई है एमीटर का, एमीटर में दो चीजें लगी होंगी, गैल्वेनोमीटर और ये संट, यस ये लगी होगी, और कह रहा है कि एमीटर में 5% मेन करंट का गैल्वेनोमीटर से गया, तो यहां पे 5% ऑफ आई यहां से गया है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज एक्स, एमीटर का मतलब ये संट नहीं, ये पूरा रेसिस्टेंस एक्स है, तो पूरे में तो आई करंट गया है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो आई इंटू एक्स बराबर यहां पे 5% ऑफ जी आएगा, 5% ऑफ द टोटल, 5% ऑफ आई इंटू जी, यही होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस दोनों एमीटर दोनों को मिला के एमीटर बनेगा जिसकी रेजिस्टेंस है एक्स, तो आई इंटू एक्स, यहां पे 5% ऑफ आई इंटू जी, ये तो बनेगा, तो आई से आई तुम्हारा कट गया, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो 5/100 इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पूछा, सॉरी 20, तो जी बराबर 20x आ रहा, सी आंसर आएगा, ये समझे। ये है बेटा गैल्वेनोमीटर, ये है संट, ये है संट, और इन दोनों को मिला के ही एमीटर बोलते हैं। मान लीजिए कि यहां पे करंट गया आई, इन एन एमीटर 5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो इस करंट का 5% ऑफ आई गैल्वेनोमीटर। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज एक्स, एमीटर की रेसिस्टेंस एक्स है, तो तुम एमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल बोलते हो यही तो बोलते हो, यहां पे गैल्वेनोमीटर की जो पोटेंशियल होगी, संट की जो पोटेंशियल होगी, वो इन दोनों को मिला के जो नेट पोटेंशियल आएगा एमीटर का, उसके बराबर होगा। ये समझ गए तो आपको एमीटर समझ आ गया। अब में से कितने बच्चे को ये समझ आया, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते पढ़ाते कम से कम मैंने 200 बार समझाया होगा, 20 बार समझाया होगा कि जितनी पोटेंशियल यहां होगी उतनी पोटेंशियल यहां होगी, और उतनी ही पोटेंशियल इन दोनों को जोड़ के नेट पोटेंशियल आएगा। सर्किट एनालिसिस में, सिर्फ एमीटर में नहीं, सर्किट एनालिसिस में वही यहां पर लगा है, कोई अलग चीज नहीं लगी है। रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द मीटर बेस,
ये मीटर बीज की बात करते हैं थोड़ा सा। मीटर बीज क्या होता है? मीटर बीज बेटा वी टेस्ट बीज पे काम करता है, बड़ा आसान है। मान लीजिए कि ये वाला एक वायर है, इस वायर की टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। क्या है? 100 सेंटीमीटर। तो बैलेंस कंडीशन में आप क्या कहते हो? नॉन रेसिस्टेंस पी बटा L1 बराबर क्यू बटा 100 माइनस L1 बैलेंस हो गया। तब यहां से करंट क्या जाएगा? जीरो। देखिए क्या लिखता है, पी बाई L1, पी बाई L1 बराबर क्यू बटा 100 माइनस। ये वी टेस्ट बेस पे काम करता है, अननोन रेसिस्टेंस निकालने में काम आता है। द रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द मीटर बीज वेरीज स्मॉल आर विद एक्स ओम रेसिस्टर इन द लेफ्ट गैप, एक्स ओम रेसिस्टर इन द लेफ्ट गैप। बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 40 सेंटीमीटर विथ 25 ओम रेसिस्टर इन द राइट गैप। यहां पे राइट गैप में 25 ओम है, तो यहां पे जो बैलेंस हुआ है 25 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है। यही तो बोल रहा है कुछ, देखना जरा क्या बोल रहा है, देखना जरा क्या बोल रहा है। ये बोला था रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द मीटर बेस वायर इज आर पर सेंटीमीटर है, एक सोम रेसिस्टेंस द लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप में एक सोम है। बैलेंस लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 40 सेंटीमीटर, यहां से 40 सेंटीमीटर है, विद 25 ओम रेसिस्टेंस द राइट गैप, 25 ओम रेसिस्टेंस राइट गैप। नाउ वायर इज रिप्लेस बाय द अनदर वायर ऑफ 2 आर रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर। नाउ बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेम सेटिंग विल बी, तो सेम सेटिंग के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? अगर एक पहले वायर का रेसिस्टेंस है आर पर सेंटीमीटर, बाद में वायर का रेजिस्टेंस है 2R पर सेंटीमीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी ये पूछा है। मैं बताऊं, सेम रहेगी। पहले अगर 25 पे बैलेंस किया है तो बाद में भी, एक मिनट, सॉरी 40 सेंटीमीटर बैलेंस, सॉरी 40 सेंटीमीटर बैलेंस, तो बाद में भी 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस रहे। क्यों बता दो? इसका रेसिस्टेंस बटा इसका रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, एक्स बटा रो इंटू 40 बराबर 25 डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस 40। तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो कट जाता है ना दोनों तरफ, तो पहले आर ओम पर सेंटीमीटर था, बाद में 2 आर ओम पर सेंटीमीटर है, तो कट जाएगा। देखो आंसर यहां पे डी आएगा, क्या होगा? कट जाएगा। ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में बताना, होमवर्क है, होमवर्क है, स्लाइड 85। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे बढ़िया सवाल मैंने बना के दिया है, ये अगर आपने कर लिया तो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये आपका होमवर्क है, स्लाइड 86, ये आपको करके दिखाना है बेटा। नीट में इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता। कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस अब हट गया है, लेकिन थोड़ा रिवाइज करके एक सवाल कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 87 ये कर लेना, ठीक है, कर लेना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के जो ये सवाल मैंने यहां पे दिया है, अच्छे से करो। नीट में बहुत लेंथी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से सवाल नहीं आते हैं। सिंपल वी टेस्ट ऑन बेस, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के आते हैं, सिमेट्रिक सर्किट भी नहीं आते। वो एक सवाल आप कर लेना, बहुत बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, धन्यवाद।